हेलो मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने पैरे से फिजे चैनल पे आज धमाल करना बच्चों आज धमाल करना है नमस्ते गुड आफ्टरनून आज धमाल करेंगे बच्चों ऐसे ऐसे सवाल उठाएंगे जो कि एच बोर्ड के लिए जैसे हमने सवाल देते आए थे याद है बच्चों वैसे आज के इसमें भी सी में ऐसे ऐसे सवाल उठाया है बहुत ही एनालिसिस करते हुए कि हर बच्चों ये सवाल हम लोगों को अभी पेन नोटबुक और आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रहने दो अगर आप चाहते हो कुछ धमाल करना बच्चों तो ऑनेस्टली लिखना बहुत जरूरी होता है नहीं तो अक्सर क्या होता है हम लोग देखते हैं बच्चे क्या करते हैं मोदी पे मोदी की सर पे टोपी मुकेश सर ओपी चलो शेयर करो यार धमाका करना है ना शेयर भी होना चाहिए चलो एक बार सब लोग जितना हो सके उतना धमाल करना है तो शेयर करो अपने दोस्तों तक और साथ में बच्चों साथ में बच्चों एक भी मारो, क्योंकि ये जो एनर्जी एनर्जी है, इस एनर्जी को लेवल को बढ़ाना है बच्चों और बच्चों देखो समय के पास इतना भी समय नहीं कि आपको दोबारा दे सके तो इसलिए बच्चों आपको धमाल करना चाहते हो तो एक बार और जबरदस्त तरीके से शेयर होना चाहिए और आज का जो महा मैराथन लेक्चर नंबर वन में हम लोग चार चैप्टर को कवर करने वाले हैं सभी को पता था बच्चों कि आज हमारे कितने टोटल टोटल कितने बच्चों चार पहला चैप्टर है आपका रोटेशनल डायनामिक्स नंबर दो है बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लू है बच्चों ठीक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है ठीक है नंबर तीन है बच्चों यहां पे केटीजी एंड रेडिएशंस पांच चैप्टर होंगे आज पांच होने के चांसेस है और फोर्थ जो है बच्चों थर्मो थर्मो डायनामिक्स हमारे सोइंसर ने भी बहुत बवाल कर दिया बच्चों इन बच्चों ठीक है एंड नेक्स्ट चैप्टर बच्चों आपके लिए जो है ऑक्सीलेशन कौन सा है ऑक्सीलेशन तो चलो यार फटाफट समय ना देते हुए रोटेशनल डायनामिक्स के कुछ फॉर्मूले यहां पे लिख के रखे हैं मैंने पूरे की पूरे मैं बताऊंगा वन बाय वन देखो हम लोगों को रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी लेकिन ओमेगा का पीरियड का फॉर्मूला okay? आप लोग ऐसे लिख सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू टॉइस पाई बाय टी या इसी को टॉइस पाई बाय टी वन बाय टी मतलब होता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी होती है तो ओमेगा इज इक्वल टू टॉइस पाई एन फटाफट लिखता है

तो ये आपको आना चाहिए बच्चों ये अल्फा क्या एंगुलर वेलोसिटी, डी ओमेगा बाय यही फार्मूला अल्फा इज इक्वल टू टॉय पाई फाइनल फ्रीक्वेंसी इनिशियल डिवाइड बाय टी, ये भी लिख सकते हैं बच्चों ठीक है तो ये रिलेशन भी आपको आना चाहिए बाकी कुछ नहीं है और रिलेशन तभी आएंगे बच्चों लाइक करना यस करन लाइक like मारेंगे बच्चे सब फटाफट फटाफट फॉर्मुलेस फट फट करेंगे बच्चों मजा आने वाला है के सेशंस में, जैसे ओमेगा लिखा है, आपको रिलेशन बिटवीन आना चाहिए बच्चों रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलासिटी एंगुलर वेलासिटी लीनियर एक्सरनेशन एंगुलर एक्सरनेशन बच्चों सिंबल पता होना चाहिए करना कुछ भी नहीं है बस इक्वल टू करके आर लिखो इक्वल टू करके आर लिखो इक्वल टू करके आर लिखो खत्म किस्सा बच्चों खत्म रिलेशन तैयार हो गए तीनों भी रिलेशन बच्चों देखो आज के आज ही हम लोग इतना धमाका करेंगे ना कि बस सर पीसीएम से एग्जाम नौ ते तेरा मध्य है पीसीए जो पंद्रह तो वीस मध्य है एग्जाम मध्य पीसीएम वाले कभी है एग्जाम कहीं खाना का हम अभी मजा आएगा भेड़ो यस yes! मजा तो आएंगे इस सालों की चलिए बढ़ते बच्चों आगे धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे देखो यहां पे हर चीज के फार्मूलेज में यानी यहां पे देख के रखे है आप लोगों को अच्छी तरह से देखना है फॉर्मूले को अच्छी तरह से करना है आपको मैं बहुत बार बोल रहा हूं है ना कि आप लोगों को है ना यार सबसे मेन सबसे मेन फार्मूले को अच्छी तरह से देखना बहुत ही जरूरी है अगर हमारे पास एक वेहीकल है बच्चों वहीकल है

फिर अगर लोअर स्पीड रही और अपर स्पीड रही तो क्या होगी अगर कम स्पीड रही तो गाड़ी इधर आएगी बहुत ज्यादा स्पीड रही तो गड्डी इधर जाने के चांसेस है और बच्चों इसी के कारण हमने एक अपर स्पीड मैक्सिमम वाली स्पीड का एक फॉर्मूला बना के रखा है दुआ में याद रखना बच्चों रूट ऑफ ब्रैकेट में बच्चों देखो रूट ऑफ ब्रैकेट में क्या लिखोगे टैनिटा प्लस मीवियास बच्चों ये बैंकिंग ऑफ रोड के लिए मैक्सिमम स्पीड है बच्चों बच्चो हर के सभी के सभी बच्चो? तो बच्चो, कोई चैप्टर होता नहीं बस थिंकिंग रखना बहुत जरूरी है कि हाँ मुझे करके देना है बच्चों आपको सबसे मेन क्या है मन में एक अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे पॉजिटिव रहना है मुझे समझ के देना है भैया मुकेश सर जिंदा बात करेंगे ऋषि के बस आपका सपोर्ट चाहिए बाकी कुछ नहीं है देखते और यह सब पीपीडी बच्चों पीजीएमएन ऐप आप पे आपको एक लवे का फोल्डर मिलेगा वहां मिलेगी एक लवर पीजीएमएन ऐप पे मिलेगी ठीक है वी मिनिमम है बच्चों वी मिनिमम वो मिलते देखो फॉर्मूला ऑफर है ऑफर रूट ऑफ आर्जी ब्रैकेट में टैन बस टैन थीटा मैंने क्या किया बच्चों साइन चेंज किए साइन चेंज किया बच्चों बाकी कुछ ही देखो बच्चों यहां पे ये प्लस है नीचे माइनस है वही जगह पर माइनस है यहां पे प्लस है बच्चों साइन के ऊपर ध्यान होना चाहिए बस है ना, सर की एनर्जी बूस्ट <laughs> यार बच्चों एनर्जी आपसे मिलती है लाइक से मिलती है आपके लाइक होना चाहिए जितने लाइक उतनी दुगुनी गुना पांच गुना ज्यादा हो सकती है एनर्जी तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं ये मिनिमम स्पीड है बच्चा 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 जानता है ये मिनिमम मिनिमम स्पीड है मिनिमम स्पीड रही तो मैक्सिमम रही अपर स्पीड रही तो बच्चों इसी से अगर आपने मीडियस को जीरो किया फ्रिक्शन नहीं लिया तो क्या फार्मूला आएगा मोस्ट सेफ स्पीड कहते हैं और वो दी बच्चों आर जी टैन थीटा देख भाई देख 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 मैंने मीएस को जीरो किया तो tan थीटा ही बाकी ये जीरो किया तो वन माइनस जीरो जीरो बच्चों tan थीटा रूट ऑफ आर जी टैन थीटा रूट ऑफ आर जी बोलो मेरे साथ बच्चों हर बच्चा देखो एग्जाम में जाने के बाद है ना यही याद आएगा और मुकेश सर ने बोला था मुकेश सर ने बोला था दिमाग वही देखेगा मेरा देखो एग्जाम में भी याद आएगा अरे मुकेश सर बोल रहे थे ऐसे ऐसे बोल रहे थे भाई ये जो आवाज है ना ये आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात को समझना जरूरी है म्यूस इज इक्वल टू देखो म्यूस को जीरो माना तो यह आएगा बच्चों इसी का स्क्वेयर करोगे तो क्या मिलेगा स्क्वेयरिंग बहुत सेट करके टाइम इनवर्स मिलेगा बच्चों वी स्क्र बाय देखो 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 एक फार्मूले से देखो एक फार्मूला था ये दूसरा मिला ये तीसरा मिला ये चौथा मिला और कुछ मिलेगा क्या हाँ जी अगर आपने टैन को जीरो करोगे ना टैन थीटा जीरो मतलब हॉरीजेंटल रोल रहा हॉरीजेंटल रोल रहा तो बच्चों वही आपकी जो स्पीड होती है ये स्पीड मिलती बच्चों म्यू आर जी बच्चों यहां पे स्पीड जब हॉरिजंटल कर रोड मतलब थीटा नहीं है मतलब हॉरिजंटल रोड है तब की स्पीड है मेरे भाई तब की स्पीड है है ना समझ में आ रहा है बेटा देखो एक बच्चा बोल रहा है कि आर आय पी फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री पीयूष तू करू नको भावा आवड्या तू करू नको रे खरंच तू लाद वाढायला पाहिजे जराशी की एक्झामच्या काळामध्ये जर आपण असे मेसेज करतो तर आपण किती निगेटिव आ निगेटिव्ह राहायचं असेल तर नाही अभ्यास करणं शक्य नाही

मतलब जब वर्टिकल मोशन हो रहा है मतलब ये मोशन मेरा बच्चा 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 जानता है रूट आप आप आर जी, ब्रैकेट में थ्री प्लस टू कॉस्टाल फार्मूला दुआ में याद रखना कोई भी पोजीशन की वर्टिकल की स्पीड निकाल सकते हो आपने बोला सर हाइस्ट यहां से यहां गया तो थीटा वन बच्चों और थीटा 180 एटी 180 होता है मेरे बच्चा माइनस वन यस अगर तू करेगा तो यहां पे रख के देख बेटा रूट ऑफ आर ही मिलेगा 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 भैया देख 180 एटी माइनस माइनस टू थ्री में से टू गया तो रूट ऑफ आर अगर आपने यहां की पकड़ ली तो थीटा जीरो है बेटा कॉस जीरो होता है हमारे यहां पे वन तो आप देख सकते हैं यहां पे यह हाइएस्ट यह पोजिशन यच अब लोएस्ट पोजीशन के निकालो सर देख भाई क्या हो रहा है one, two one two. Two plus three, five. तो ये है बेटा। क्या बात समझ में आ रही? रूट है। समझे नेक्स्ट थर्ड है बच्चों यहां से यहां गए समझे यहां से यहां गए नाइंटी थीटा नाइनटी है क्या क्या बेटा? 90. 90 क्या होता बेटा? होता होता जीरो तो देख यहां पे मिड पोजीशन बोलो ऑरिजेंटल पोजीशन बोलो रूट ऑफ थ्रीजन क्या भी यह फॉर्मुलेके दिमाग में जा रहे तो थम्सअप करना बहुत जरूरी है बोलो कितने बच्चे हां सर ये सीधा दिमाग में जा रहे थी? बोलो कितने बच्चे हैं मेरे ये फॉर्मूले सीधे दिमाग के अंदर जा रहे है सर मेरे बताओ बताओ बच्चों कितने बच्चे हैं सर ये फार्मूले डायरेक्ट मेरे दिमाग में जा रहे हैं कितने बच्चे चलिए बोलो बोलो भाई बोलो बोलो जल्दी से बोलो कितने बच्चे आसे? कि सर ये जो फार्मूला आप दे रहे हो ये सीधा हमारे दिमाग के अंदर के नसों नसों में जा रहे हैं और हम लोग बिल्कुल इसको यस वेरी गुड बहुत बढ़िया समझ नहीं आ रहा है सर अरे भगवान यस डन है चलो बढ़ता आगे आगे बढ़ते हैं बच्चों आगे बढ़ते हैं हाँ जी अब इसके लिए भी मेरे पास एक जनरल फार्मूला टेंशन वर्टिकल मोशन है इसके टेंशन निकालने बच्चों अलग अलग तो टेंशन ऑफ एनी पोजीशन के लिए फार्मूला है बच्चों मेरे पास एम स्क्वायर थीटा बच्चा ये फार्मूला है आपके दिमाग में अब जैसे बोला थीटा जीरो रखो कॉस जीरो होता है वन तो ये लोएस्ट पोजीशन पे होगा बच्चों यहां होगा यहां तो ये जो टेंशन अप लोएस्ट पोजीशन है mv2l r e mc cos थीटा 1 बच्चों तो ये लोएस्ट पोजीशन पे है किसी ने कहा कि सर हाईएस्ट पोजीशन पे है? तो थीटा होगा 90 cos अच्छा मिड पोजीशन कर रहे है? नहीं 180 करते पहले 180 cos 180 होता है बेटा वन तो देखते हैं टेंशन जो है बच्चों टेंशन जो है वो निकालते हैं बहुत ही सिंपल है टेंशन ऑफ हाईएस्ट पोजीशन एम वी स्क्वायर एच अपॉन आर माइनस एमजी क्यों बेटा माइनस डालना है cos थीटा जबरी माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस होता बेटा और टेंशन ऑफ मिड पोजीशन एम वी स्क्वायर बाय आर क्यों बच्चे थीटा 90 है और आप लोग जानते हैं कॉस 90 जो होता है जीरो तो यहां जीरो डालो तो ये आंसर मिलेगा ये मिड पोजीशन हाईएस्ट पोजीशन सबसे मेन टेंशन ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट पोजीशन के ऊपर डायरेक्ट सवाल आ चुका है सवाल आ चुका है क्या बच्चों टेंशन ऑफ हाईएस्ट एंड टेंशन ऑफ लोएस्ट पोजीशन बच्चों 6 एमजी क्या बेटा 6 एमजी 6 एमजी है बच्चों समझते अगर बात 6 एमजी दोनों टेंशन के बीच में अगर हमने डिफरेंस निकाल दिया इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल आता है बच्चों ध्यान रखना है, ये सवाल को याद रखना है चल रहे बात आप देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब जो फोर्स सेंटर के तरफ हो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैग्नीट्यूड में दोनों के भी फॉर्मूले सेम दोनों के भी फॉर्मूले सेम सर फिजिक्स मेरे रीलो दिमाग में है और बापरे आप ले फिजिक्स मस्त समझते वेरी गुड बढ़िया बढ़िया बेटा देखो बच्चों यार पॉजिटिव रहना हमारा काम है जो बच्चे पॉजिटिव रहते हैं दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोकने वाली चलिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर या यम वी यही फार्मूला बच्चों सेंट्रीपिटल का भी होता है और सेंट्री फ्यूगल का भी होता है यह फार्मूले ऑलरेडी हुई मैक्सिमम हॉरिजेंटल कोर रोड पे जो स्पीड होती है रूट ऑफ आरजी म्यू आरजी ये ऑलरेडी फार्मूले मैंने बता दिए इसलिए इसको आगे लेके अब कोनिकल पेंडुलम को क्या होता है बच्चों देखो एक रिजिड सपोर्ट है एक राग धागा लिया धागा एक बॉब ले लो और इसको हॉरिजेंटल सरफेस में घुमा दो ऐसे ठीक थी। है बेटा ओके ये बात समझ में आ रही है ये एंगल है ये हाइट है ये लेंथ है अब बॉब है तो बाप के पास मास होगा तो वेट होगा नीचे और एक यहां पे इस टेंशन के कंपोनेंट है बच्चों ये टी कॉस थीटा और ये होगा बच्चों टी साइन थीटा क्या मेरी बात समझ में आ रही है मेरी बात समझ में आ रही है बेटा ओके चलिए तो यहां पे ये जो है ना बंदा अगर यहां से देख रहा है आप हो और आपकी वाली बंदी यहां पे खड़ी हो बच्चों और वो बंदी को आप लोग घुमा रहे हो और ये इधर से देख रहा है वाह क्या घूम रही है वाह 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 वा, 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 ये देख रहा है बेचारा बच्चों इसको पता है कि ये गोल घूमने का कारण है बच्चों सेंट्रिपिटल फोर्स ठीक है लेकिन यही बंदा इस बंदे के पास आ गया भैया अब बहुत देर से देख रहा था हो गया होगा कुछ तो देखने के बाद आ गया इधर तो इसको पता लगा कि यार मुझे तो कुछ पीछे से खींच रहा तो चिल्लाएगा बचाओ 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 और इस रस्सी को होल्ड करके रखेगा मैरी राउंड देखा आपने मैरी राउंड देखा होगा आप लोगों ने है ना तो बच्चों वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ही फोर्स है बस आप कहां से देख रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है तो देखते हैं बच्चों इसका जो फॉर्मूला पीरियड का वो है टॉइस पर रूट ऑफ यल कॉस थीटा अपॉन जी बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी को उल्टा करना पड़ता है बाकी कुछ नहीं तो ये होगा वन बाय पर रूट ऑफ जी बाई नहीं बच्चों फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं, नहीं। फॉर्मूले कैसे करना है ये टेक्निक पता होनी चाहिए जो बच्चा टेक्निक करेगा टेक्निक यूज करेगा वह बच्चा धमाका करेगा बच्चा धमाका धमाका हो जाएगा बच्चों इससे चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों स्क्वायर है स्क्र यम टू आर टू स्क्वायर प्लस डा डा डैश यहां पर आर स्क्वायर ठीक है बच्चों इसी को तो हम लोग शॉर्टकट में स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं और रेडियस ऑफ गैरेशन क्या होता है बस वही फॉर्मूलाई यम के स्क्वायर के इज द रेडियस ऑफ गैरेशन तो क्या आ गया यस बच्चा क्या होगा आई ये डिवाइड चला जाएगा यम तो के इज इक्वल टू द रूट ऑफ आई बाई यम ये रेडियस ऑफ गायरेशन पता होना चाहिए सॉलिड का स्पीयर का हर किसी का अलग अलग है बेटा हर किसी का अलग अलग है चलिए देखते हैं हाँ जी देखो अगर हम लोग एनोलॉगी देखे बच्चों क्या देखे एनोलॉगी जैसे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन मास के जगह पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके बाद में फोर्स के जगह पर टॉर्क लीनियर मोमेंटम पी एंगुलर एल ठीक है बेटा अगर आपको पूछा जाए तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है आपने बोला सर हाफ 2 एम स्क्वायर ये कब है बेटा ये जब कोई चीज ट्रांसलेशन मोशन में जा रही है स्ट्रेट जा रही है सीधा अगर आपको किसी ने पूछा अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही है रोटेट समझता ना रोटेट हो रही है तो 1 देखो यम के जगह पे आई हाँ सर वी के जगह पे ओमेगा वी का स्क्वायर देखो ये इसकी एनालॉजी बच्चों बच्चों फार्मूला लर्न करना ये कोई ऑप्शंस नहीं है फार्मूले को दिमाग में कैसे डाल रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को फार्मूला लर्न करने से भी टेक्निक इस्तेमाल करना ये जरूरी है अगर आप सीई क्रैक करना चाहते हो तो हाँ जी बेंदास कर सकते हो आपका हक हाँ है थी बच्चों ठीक है जैसे कि फोर्स लिखा है रे हम लोग या f ma तो फोर्स के जगह पे क्या लिखेंगे टॉर्क लिखेंगे सर i m के जगह पे i a के जगह पे अल्फा हो गया बेटा लीनियर मोमेंटम p mv है सर p के जगह पे l इस्तेमाल करिए m के जगह पे i इस्तेमाल करो v के जगह पे ओमेगा हो गया है ना बेटा कितने सारे फार्मूले हैं जो कि हर छोटा छोटा बच्चा भी है ना हाँ जी जो सवाल आएंगे एग्जाम में वैसे ही सवाल उठाऊंगा मैं टेंशन मत लेना आप देखो प्रिंसिपल ऑफ पैरालैक्स बच्चों है क्या है

परपेंडिकुलर होना जरूरी है बच्चों ओके, तो देखते हैं आगे बच्चों तो है। कि आपको रिंग का मोमेंट ऑफ इन बेटा अगर ये है आपके पास, है और से सेंटर से एक्सिस पास कर रहे तो तब यह है लेकिन ध्यान रखना यही डायमीटर बने तो देखो ये डायमीटर बन गए और ये सेंटर से एक्सिस ये सेंटर से जैसे हो रहा था यही ये, ये वाई यही जड़ बच्चों तब यही फॉर्मूला आईडी इज इक्वल टू यम आर टू है बच्चों ये रिंग का सवाल चालू है क्या लोग पढ़ रहे हैं रिंग पढ़ रहे हैं रिंग ये रिंग के लिए वही परपेंडिकुलर एक्सिस हो दो बच्चों देखो परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे टू इट्स तो यहां पे वही लॉ लगेगा कौन सा आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्टो यच तो ये सेंटर से पास हो रहा है तो यमार क्या हो रहा है लेकिन यही एक्सिस काम करती है। मतलब मतलब देखो ये, ये, ये देखो। आपको ऐसा भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको और एक कहानी बताऊंगा बच्चों ठीक है अब देखो ऐसा ये डायमीटर अब तो समझ में आ रहे हैं और टेंजेंट्स है, ऐसा तो बच्चों ये ये आईसी आईसी नहीं है ये आईडी बना देखो आईसी मतलब आईसी और आईडी मतलब ये ये दोनों चीजें समझना बहुत ही जरूरी है तो इसीलिए बच्चों आईसी यहां पे अगर लगाओगे आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर अब ये एच क्या है आर रही तो आई ओ इज इक्वल टू यम आर स्क्वायर ये आईसी आईडी बना है

तो स्पीयर से ऐसी होता है बेटा टू बाई फाइवर तो ये फॉर्मूला देख लेना अच्छी तरह से ताकि आप सभी लोगों का भला हो सके तेरा भी भला हो मेरा भी भला हो भैया आगे बढ़ते हैं क्या सवाल लेना है बच्चों क्या सवाल लेने के लिए तैयार हो आप लोग तैयार हो तो एक बार अप करो बच्चों एक बार शेयर होना चाहिए उदय गुप्ता अगर आपको सवाल नहीं समझ में फार्मूले नहीं याद तो एक बार फार्मूले देखने चाहिए थे बेटा कभी कभी होता है ना सर मैंने फार्मूले देखे ही नहीं है यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है तो मैं चाहता हूं बेटा कि फार्मूले देखा करो अगर फार्मूले नहीं देखोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है बारह बच्चे लाइव में टॉप यूज में और लाइक है आठ भगवान करे सभी बच्चे का एक बार थम उठा के भैया एक बार उस जो लाइक का बटन है उसको ऐसे दबाने के लिए बोले भगवान करे तुम्हारे दिमाग में आ जाए <laughs> एक लाइक मारू बोल के कहा रे बाबा लाइक मारा सांगा लगता अरे रे, 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 रे। भगवान करे यस बाबू हाँ आदित्य 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 ओके बच्चों, मैं करवाता हूं एक मिनट स्क्रीन का करवा देता हूं स्क्रीन का करवा देता हूं एक मिनट चलो सॉल्व करना है तब तक अरे दरवाजा उघडणं हे स्क्रीन दिसाय ना बरोबर ते क्वेश्चन हे खूपच जास्त हे झाले दिसून नाही राहिले लोकांना पोरांना हे करावं लागतील पाय ना तूच बनवली ना हां मग जरा स्क्रीन हे कर थोडीशी सध्याचं पण मग नंतर तोपर्यंत क्वेश्चन करून घेतात तू करावं लागतील ते थोडेसे छोटे करावं लागेल एक मिनिट बच्चो ओनली वन मिनिट थोडंसं हां दिसून नाही राहिलं ना चलिए अपन तो तरीपन क्वेश्चन कर ले जाए हाँ ठीक है करूँ घर तो व्यवस्थित नहीं दिशा लेते चलो यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी हाँ है ना ये थोड़ा सा लहान कराए पाइजे होता हाथ में देगी चलो कोई टेंशन नहीं बच्चों करते हैं सवाल को भी करेंगे करेक्ट करेंगे टेंशन मत ले रहा आप बोलो खाली बस इसका जवाब देखो इसका जवाब देखो चलिए मुझे आंसर चाहिए बच्चों फटाफट आंसर चाहिए देख देखो ये सवाल बच्चों 2019 2020 2021 2022 चारों ईयर के सवाल ले रहा हूं बच्चों और यही सवाल रिपीट आते हैं यही सवाल रिपीट आते हैं बेटा चलो देखते हैं किसमें है कितना दम और कौन बनने वाला है आज के सवाल में फटाफट स्टोन का मास मासो वन के जी बेटा द स्ट्रिंग रेडियस बोलो लेंथ बोलो एक ही बात है ये है टू मीटर ठीक है रोटेट कॉन्स्टेंट स्पीड है यहां पे फोर्टी मीटर पर सेकंड इन वर्टिकल सर्कल द रेशन ऑफ टॉप टेंशन ऑफ टॉप एंड टेंशन ऑफ बॉटम बॉटम मतलब यह हाइएस्ट पोजिशन लोएस्ट पोजिशन बच्चों मुझे एक सवाल है क्या आपको पता है कि टेंशन ऑफ हाइएस्ट पोजिशन क्या है ना हाइएस्ट पोजिशन माइनस है बेटा माइनस और टेंशन ऑफ लोएस्ट पोजिशन है यमवी स्क्वेयर बाय आर प्लस यम जी बस खत्म साथ डाल दो टेंशन ऑफ हाइएस्ट टेंशन ऑफ लोएस्ट एमवी देखो यम है वन वी का स्क्वेयर सोलह सो करो डायरेक्ट डिवाइडेड बाय आर आ रहे बच्चों मेरे पास दो वन माइनस टेन डिवाइडेड बाय सेम यहां पे सोलह सो ही करो डायरेक्ट या वन करो आ रहे प्लस वन हो गया आंसर ही मिला बच्चों मुझे आंसर मिल गया हाँ जी टेंशन ऑफ हाइएस्ट एंड टेंशन ऑफ लोएस्ट थोड़ा शॉर्टकट इस्तेमाल करिए मुझे समझा के देना है बच्चों को इसलिए कर रहा हूं बाकी को चलिए तो देखो यहां पे 1600 सो बाई टू माइनस टेन सेम सोलाइट सो यहां पे प्लस टेन बच्चों ठीक है टेंशन ऑफ हाइएस्ट एंड टेंशन ऑफ लोएस्ट देखो ये होगा 800 सो माइनस दस यहां पर भी 800 डिवीजन तो आता है बच्चों ये 10 ये होगा 790 और ये 810 सो दस, जीरो जीरो कैंसर सेवनटी नाइन बाई एटी वन सेवनटी नाइन बाई एटी वन बी ऑप्शन इज करेक्ट क्या वाह 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 क्या बच्चे हैं मजा तो आना चाहिए बच्चों लेकिन उसके लिए ऑनेस्टली पेन नोटबुक आपकी टेक्स्ट बुक भी लेके बताना है नहीं नहीं कोई नहीं मारेगा सागर सालों के कोई नहीं मारेगा जो बच्चे हैं ऑनेस्टली आंसर देंगे बस ऑनेस्टली आंसर देंगे यस yes. सब लोग ऑनेस्टली देंगे एक बार अप करो कि हां सर हम लोग ऑनेस्टली आंसर देंगे टेंशन मत लो सर चलिए देखते हैं ऑनेस्टली कितने बच्चे आंसर दे रहे नेक्स्ट ये 2019 के सवाल है बच्चों फिलहाल में देखो जूल वर्क दिया वाला है वो बच्चों बारह हजार झूल है ना फ्लाईवीड फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस फ्रॉम टेन हाथ टू ट्वेंटी द मोमेंट ऑफ ऑफ फ्लाई व्हील अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये सवाल है बच्चों मेरे पास। okay? पे सबसे पहले एन वन फ्रिक्वेंसी बच्चों दस हार्ड यहां पर रोटेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी डन इन दर्डन वन बाई टू आई ओमेगा लेकिन ओमेगा चेंज हो रहा है बच्चों क्यों क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है मतलब ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इसी को मैं टॉइस पाई माइनस एन वन इस्तेमाल कर सकता हूं समझ में आ रहा है बच्चों ओमेगा मतलब टॉइस पाई एन तो फॉर्मूले में भी जंप करना आना चाहिए चलिए तो वर्क इज इक्वल टू वन बाय टू आई तो निकालना है और यहां पे स्क्वेयर है बच्चों तो ये होगा फोर पाई स्क्वेयर समझे बच्चों इसकी स्क्वेरिंग कर रहा हूं स्क्वेरिंग कर रहा हूं चलिए तो यू स्क्वायर माइनस एन वन चलो ये तो दीवाल है बारह हजार ये वन बाय टू आई निकलना है बच्चों फोर ध्यान रखना पाइस की स्क्वेयर टेन दी वाला है पास्क्वेयर टेन है यन टू क्या है मेरे पास बीस बीस का स्क्वेयर चार दस का स्क्वेयर सो so, क्या मिलेगा सर मेरे को मेरे को क्या मिलेगा क्या मिलेगा ये हो गया ज़ा तो ये हो गया बेटा ट्वेंटी समझे ना ये ट्वेंटी ये है बच्चों तीन सो चलिए जीरो जीरो को मरवा दो चलिए ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, जीरो मर गया वाह सर आय बाकी है आए तो मेरा फाइंड करना है ना सर ये देखो आए कितना हो गया टू आ रहा है सर करके दिखाओ ये ट्वेल्व बेटा ये थ्री टू जा सिक्स डिवाइड आ गया तो I की वैल्यू टू kg जी मीटर स्क्वेयर क्या आ रही बच्चों आ रही है क्या हाँ जी सर बी नंबर को ऑप्शंस को कर दो सर टिक मार कर रहे क्या बी ऑप्शन वेरी गुड मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं क्योंकि एक लव्य बैच स्लो गया स्लो चले बेटा कई हरकत नहीं बंदे बंद करके ओके।, ओके 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 सब मिलेगा पहले इसके ऊपर ध्यान देना बच्चों चलिए गुरु गुरु थैंक यू चलो मजा आ रहा है ना बच्चों मजा तो आना चाहिए बच्चों चलिए नेक्स्ट मजा तो आना चाहिए ना बेटा बिना मजा का कुछ नहीं होगा बोल भेड़ो बोल 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 यहां पे पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट स्पीड सेंट्रीपिटल एक्सरलेशन इफ द स्पीड इज डबल v2 टू इज इक्वल टू टॉय वी वन स्पीड कैसे करना है डबल करना है रेशियो ऑफ एक्सरलेशन आफ्टर एंड बिफोर देखो आफ्टर मतलब ए टू बोलेंगे डिवाइडेड बाय ए वन निकालना है बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोले v r यस yes, बच्चों लेकिन क्या है पार्टिकल मुहिंग द सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इफ द स्पीड डबल मतलब बच्चों वही है सर्कल वही है मतलब रेडियस भी वही है मेरा संबंध किसके साथ है भैया वी स्क्वे के साथ है क्योंकि वी का ही बदलाव किया पहले स्पीड थी वी अभी टू वी कर दी यस तो ए टू फार्मूला क्या मिल रहा है बच्चों का स्क्वेयर वी टू क्या है मेरे भाई टॉइस वी वन बाई वी वन का स्कोय मर गया चार आ गया बेटा तो ए टू बाई ए वन ओरली आंसर है बच्चों ओरली सही सही बताओ ओरली आंसर है तो कह समझा गया भाई ये ऑप्शन इज करेक्ट है ये ऑप्शन इज करेक्ट है सर जिन्होंने भी कुछ नहीं किया ना बेटा कॉन्फिडेंस रखो बेटा हमारे साथ कर कर के शायद लास्ट ईयर में तो ऐसा हुआ था वही के वही सवाल आ गए बच्चे तो मौज कर रहे थे सर आपने जो बोला वही आ गया आपने जो बोला वही आ गया बेटा हो सकता है कि यही क्वेश्चन आ जाए तो मजा आएगा मजा आ सकता है बच्चों अनिष्ट करना बहुत ही बहुत ही जरूरी है चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे देखो फोर्थ नंबर पे देखो क्या हो गया बच्चों फोर्थ नंबर पे देखो सबसे पहले गिवन क्या दिया यूनिफॉर्म डिस्क का मास है बच्चों मास है मेरे पास फोर के जी रेडियस है बच्चों आरथ ये है जीरो पॉइंट फोर मीटर या इसको फोर इंटू टेन टू तो माइनस वन मीटर करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट सरकमफेरेंस सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन सवाल ये बोल रहा है मेरे बच्चों सवाल ये बोल रहा है बच्चों ये 2020 का क्वेश्चन से ये 2020 का क्वेश्चन से।, से 2020 का है, है सॉरी ठीक है इनका कहना है कि डिक्स लेना है डिक्स समझते हो अरे बच्चों नाश्ता करते हैं कितने बच्चे मेरे नाश्ता करने वाले बताओ एक बार एक बार बताओ कितने बच्चे हैं जो नाश्ता कर रहे हैं ये देखो ये डिक्स की अरे डिक्स में से हम लोगों ने क्या किया एक सेंटर से एक्सिस पास किया लेकिन वो डायमीटर ने बेटा आई सी किया और एक सर्कल फोर ऑफ सर्कल मतलब ये यह कि यहां से किया दोनों के बीच का अंतर सबको पता है आ बच्चों पैरेलल एक्सिस इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने आई ओ इज इक्वल टू थ्री बाई टू एम आर स्क्वेर यह फार्मूला लगा होगा याद है आपको पता है बच्चों इसका आईसी जो होता है डिक्स का यम स्क्वायर बाय बाई टू होता है तो ये फार्मूला लगाया होगा मैंने आईसी प्लस यम एस स्क्वेयर यश तो आ रहे बेटा तो देखो यम स्क्वायर बाय बाई टू और ये यम स्क्वायर देखो बेटा थ्री बाई टू आता है कि नहीं थ्री बाई टू आ रहा है चलो आई ओ इज इक्वल टू देखो फार्मूला सीधा याद होना चाहिए था मास कितना है मेरे पास फोर इंटू टेन माइनस वन मास ओनली फोर ए सॉरी मास ओनली फोर यस हाँ जी बढ़ते आगे आर का स्क्वेर, इसका स्क्वायर करो बच्चों सोलह टू इसका क्या का तो चलो सर ये हो गए कितने दो यस इज़ इक्वल टू है ना सिक्स नाइनटी सिक्स हो रहेगा बेटा नाइनटी सिक्स और ये जो है बच्चों ये माइनस टू था ना

2020 के सवाल है ये भी सॉलिड स्पियर मासियम रेडियस आर रोटेटिंग अबाउट द डायमीटर इंपॉर्टेंट है ना ज्ञान मांग लगेस एक मिनट बच्चों ये जो दिख रहा नहीं है आपका जो प्रॉब्लम है इसका याला सेव कर लो कितने क्वेश्चन कितने पूरा ना बच्चों ये जो पीपीटी है ये पीजीएमएन ऐप पे एक लव्य बैच पे मिलती है एक लव्य बैच पे सभी पहुंच गया क्या चले बच्चों आपका ये हुआ हा यही क्वेश्चन है अब दिख रहे बच्चों सवाल अच्छी तरह से देखना बहुत जरूरी था आता कैमेरा एकदा कर कवर आदित्य कैमेरा फुल था चलिए बच्चों देखते हैं किसमें है कितना दम कौन कौन सॉल्व करने वाला है चलो सॉलिड स्पीयर है मास में रेडियस आर बेटा रोटेड अबाउट द डायमीटर डायमीटर क्या है रोटेड होता है कौन है सॉलिड स्पीयर सॉलिड स्पीयर का जो फार्मूला है बच्चों ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर अरे वो डायमीटर ही रहता है सेंटर से पास होना डायमीटर होना एक ही चीज है भाई एक ही चीज है ध्यान रखना ये सॉलिड स्पीयर के लिए थी। ओके ये सॉलिड स्पीयर अब देखो सॉलिड सिलेंडर है ध्यान रखना बच्चों फार्मूले के ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है सिलेंडर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सी इज द सिलेंडर वो है मेरे ख्याल से एम आर स्क्वायर बाय टू होगा ध्यान रखना बच्चों ओके सेम मास रेडियस रोटेटिंग अबाउट द ज्योमेट्रिकल एक्सिस ज्योमेट्रिक मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर एक्सिस पास होना विद एंगुलर स्पीड ट्वाइस द स्फीयर एंगुलर स्पीड जो है बच्चों वो ट्वाइस टाइम से बच्चों ध्यान रखना कितने टाइम है ट्वाइस टाइम है लेकिन कौन है वो एंगुलर स्पीड है बच्चों ट्वाइस तो टाइम एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो ऑफ काटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन किसको स्पीयर टू सिलेंडर देखो का एनर्जी ऑफ यस मतलब sphere. और एनर्जी ऑफ सिलेंडर सी इज द सिलेंडर बच्चों ये बात ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है हमारे पास तो सबको पता है काइनेटिक एनर्जी रोटेटिंग बॉडी आई ओमेगा स्क्वेयर लेकिन यह स्पीयर है और यहां पर भी वन बाय टू आई इज़ द सिलेंडर बट इसके लिए बच्चों टॉइस ओमेगा है, टॉइस ओमेगा स्क्वायर, ध्यान देना बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर डबल क्यू लिखा है डबल क्यू लिखा है? बोला था इसलिए तो हाफ हाफ कैंसिल बच्चों यहां पे आईएस है इसका हाँ सर देखो ये ये ये, ये टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर बेटा डिवाइडेड बाय ये आर स्क्वायर बाय टू यस यहाँ पे टू का स्क्वेयर होता है फोर और ये ओमेगा स्क्वायर बेटा ओमेगा ओमेगा कैंसल आर आर कैंसल यम, यम, कैंसल ये टू टूजा, टू ज़ा टू फोर ठीक है सर तो बचा क्या देखो ये टू है ना अगर ये होगा टू बाय फाइव कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही बेटा वन बाय फाइव आ रहा है क्या वन बाय फाइव आना चाहिए था ये टू और ये टू भी कैंसिल हो सकते हैं ये भी कैंसल हो सकता है ये तो ये लिखने की जरूरत नहीं है तो डायरेक्टली मेरा बचा है बस वही लिखेंगे बेटा वन बाय फाइव तो इसका वन बाय फाइव मतलब वन इज टू बी ऑप्शन आना चाहिए था बी वाह यस वेरी गुड ओके थँक्यू स्माईल आता बघा बघाय लक्षात महत्वाचं फॉर्म्युले पाठ पाहिजे आता काही जण निगेटिव्ह होऊन जातात लगेच सर मला नाही समजायला सिम्पल काम करायचं भाऊ तुला नाही समजत ना मी म्हटलं ना हा फॉर्म्युला लिहून घेणार दादा तू या फॉर्म्युला नोट डाऊन कर सॉलिड स्क्यर असेल तर हा टू बाय आर स्क्वेअर आणि जर सिलेंडर असेल हे सिलेंडर सी वाय मतलब सिलेंडर एम आर स्क्वेअर बाय टू लक्षात तर ठू कदाचित हाच फार्मुल्यावर क्वेश्चन आलात तर साग तो एक निगेटिव हो ना सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो ओके आराम से पढ़ाता हूं बच्चों आराम से पढ़ाता हूं चलो बच्चों अभी देखो थ्री सॉलिड स्पियर है अब जब स्पीय से सेंटर से, से, से एक्सिस पास हो सेंटर के एक्सिस पास हो तो इस सिलेंडर को नाम देंगे हम लोग ध्यान देना बच्चों इसको नाम देंगे एक इसको दो इसको तीन ये नंबर वन का जो स्पीयर है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा वो होगा टू बाई फाइव एम आर सेंटर से जब एक्सिस पास होता है कब बच्चों सॉलिड स्पीयर हो तो और ये सॉलिड स्पीयर ही बच्चों पहला समझ में आया आई ए वन क्यू लिखा है समझ में आ रहा है बेटा आई वन का मतलब समझे अब ये देखो अब यहां पे है ना बेटा सेंटर से भी ये डॉट दिख रहा है ना डॉट मतलब सेंटर से एक्सिस पास है मतलब बेटा ये हम लोगों को कुछ ऐसे सेंटर से भी एक्सिस पास हो रहा है और एक यहां से सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल से ऐसे ऐसा है बेटा अब यहां पे कौन सा फार्मूला लगाओगे आई ओ इज इक्वल टू आईसी प्लस एम एच ये फार्मूला लगाएंगे लेकिन एच क्या है आर आईसी तो पता है बेटा सेंट्रस एक्सेस पास हुआ तो वैल्यू पुट अप कर रहा हूं देख देख बेटा यह, यहाँ पे टू बाय फाइव बेटा तो फाइव टू मतलब इसका आना चाहिए फाइव वन जावन बाई फाइव एम आर स्क्वेर कोई टेंशन है बेटा कर रहा था मैं अभी ये जो कैलकुलेशन कर रहा हूं ये सेकंड के लिए कर रहा हूं सेकंड इसके लिए कर रहा हूं थर्ड वाली वही कंडीशन है जैसे सेकंड वाली है वैसे थर्ड वाली भी है बच्चों इसीलिए इसको दुगना कर सकते हो डबल कर सकते हो मतलब अगर आपको यह करना है तो नहीं तो यहां पे भी रख सकते हैं इसका मतलब आई थ्री भी है सेम आई टू और आई थ्री सेम कंडीशन है सेम है। अब टोटल निकालना है मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री समझे बेटा आप लोग ऐसे भी कर सकते देखो टू बाई फाइवर स्कूर यहां पे सेवन बाय फाइव या आर स्कूर बेटा मुझे लगता है इसको मल्टीप्लाई टू ही किया जाए क्योंकि दोनों ही ना मल्टीप्लाई टू करके खत्म कर दो ताकि तकलीफ कम हो जाएगी क्या कॉमन निकाल सकता हूं बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है टोटल तो मुझे लगता है यहां पे एम आर स्क्वेयर बाय फाइव कॉमन निकाल सकता हूं एम आर स्क्वेयर बाय फाइव कॉमन निकालो बचा क्या बेटा मेरे पास टू हाँ सर और यहां पे फोर्टीन तो क्या मिल रहा है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मिल रहा है बच्चों सिक्सटीन बाय फाइव एम आर स्क्वेयर या सरणो बेटा सिक्सटीन बाई फाइव एम आर स्वर ऑप्शन होगा एट तो टिक मार कर देना ये बेटा, बस थिंकिंग पॉजिटिव रखो ज्यादा हार्ड लेवल नहीं होता है ये हम लोग 2020 के सवाल ले रहे हैं कोई इधर उधर के सवाल नहीं है ऐसे रही उठा लिया उठा लिया ऐसा नहीं है जो सही है वही उठा रहे 2022 का ये 21 का सवाल है शायद ये 21 का सवाल है, का सवाल है बेटा 2021 का सवाल है ठीक है 2021 का सवाल है हाँ जी बता सकते हो कौन कौन तकलीफ ले रहा है कौन नहीं ले रहा है देखते हैं भैया आप लोगों को रेशियो होता है बच्चों, ऑफ सर्कुलर रिंग रिंग के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है के इज इक्वल टू आर के इज इक्वल टू आर सर आपको कैसे पता आपको कैसे पता आपको कैसे पता तो बच्चों देखो मुझे पता था I इज इक्वल टू यम आर स्क्वेयर लेकिन इसको लिखते हैं यम के स्क्वायर इज इक्वल टू यम आर स्क्वेयर रेडियस ऑफ डायरेक्शन का फार्मूला यम के स्क्वायर, यम यम कैंसिल देखो के इज इक्वल टू आर वैसे बच्चों नेक्स्ट है डिक्स और डिक्स के लिए बच्चों R बाय रूट टू डायरेक्ट याद होना चाहिए यहां पर ना टाइम पास करते हुए मुझे करना क्या बेटा देखो बताया यार रेशियो निकालो किस किसका अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन तो मुझे यहां पे सिंपल सा के रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्क इसका है आर और इसका है आर बाय रूट टू आप जानते हो आर आर के आंसर डिवाइड का डिवाइड न्यूमॉन जाता है तो सी ऑप्शन आएगा बेटा क्या आएगा सी आएगा सी हर बच्चा जानता है इजी सवाल है बेटा बस अपने उस तरीके से तैयारी होना बहुत जरूरी है क्या आपकी तैयारी है या नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए आगे बढ़ते हैं यह भी 21 का सवाल है बेटा 2021 का सवाल है चलिए अब वैन इज मूविंग विद द स्पीड देखो स्पीड जब किलोमीटर पर आर में हो तब ध्यान देना बच्चों उसको आपको करना पड़ता है फाइव बाई एटीन मीटर पर सेकंड करना है तो ठीक है तो यहां हैं ना एटीन सिक्स एट सिक्स थर्टी मीटर पर सेकंड बेटा टेबल टेबल सर मन करुण ग्यामन फ्रिक्शन बिटवीन दर टायर्स एंड रोड म्यू है बेटा वो है जीरो इसी को हाफ भी बोल सकते थे सेफ ड्राइविंग द वैन मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा मेरा आर क्या होगा बोल भाई बोल भिड़ू बोलना तो पड़ेगा बोलना तो पड़ेगा याद होगा बच्चों हम लोग वी लिखते हैं म्यू आर जी यस अरे हॉरिजेंटल जब रोड हो तब मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है बेटा मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है म्यू आर जी होती है

ले सकते हैं ना भाई ये जीरो जीरो कैंसल ये हो गया सिक्स मतलब थर्टी मल्टीप्लाई सिक्स समझे बेटा जीरो जीरो कैंसल तीन है ये ऊपर गया तो थ्री टू जा सिक्स तो यहाँ पे वन एटी मीटर होगा बेटा तो इसका जो रोड का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो होगा मेरा भाई वन एटी पे इतना क्वेश्चन भावा सोपे हासिल था एक बार थम्सअप करा बड़े कहू दया माला ताईबाई अक्का विचार करा पक्का अपने प्रश्न क्वेश्चन वरच मारा शिक्का अगर समझ में आया तो बता सकते हैं बोलो 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 जल्दी से सिंपल है ना क्वेश्चन ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है बेटा फुल क्लियर है ओ वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा लगता है भैया 2022 के सवाल है ये है ना आदित्य भैया अपने 2020 के ही सवाल कर दिए पूरे के पूरे 2021 के 22 के अलग-अलग सवाल है ये ध्यान रखो हां जी आदित्य ने भाई ने क्या किया 2022 को भी हर सवाल को हर सवाल को वही कर रहे देखो आदित्य भाई ये 2021 का सवाल था ये भी 2021 का सवाल है पूरे सवाल वैसे करें हां वो चैप्टर के पूरे सवाल ऐसे ही कर रहे हैं चलो कोई टेंशन नहीं आदित्य भैया भी उसके बाद में गलती मत करना ठीक है दिखे? बच्चे नाराज हो रहे हमारे ऐसे मत करना बोल के दो हजार बाईस का सवाल है, है किसमें है कितना दम सबसे पहले देवाला वेटलेस स्ट्रिंग है स्ट्रिंग का कोई वेटलेस सपोर्ट द दे टेंशन देवाला है ये देखो सर को आ गया टेंशन लेकिन हम लोग नहीं ले लेंगे है ना सर स्टोन ऑफ मास मास भी लिख सकते हैं, इसी को बेटा, हाँ तो बेटा ये मैक्म एंगुलर वेलासिटी मैग्जिम एंगुलर वेलासिटी ग्रेविटी तो दी है बच्चों और उन्होंने कह दिया मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कहां हो सकती है समझो मैंने रस्सी लीजिए और इसको घुमा रहा ऐसे घुमा तो नीचे होगी मैक्सिमम सबसे ज्यादा बच्चों ये यहां स्पीड होने के चांसेस है तो टेंशन ऑफ लोएस्ट पोजीशन का लेना पड़ेगा मुझे लगता है टेंशन ऑफ आप। आपको किसका लोएस्ट लोएस्ट पोजीशन का टेंशन होता है यम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस यम जी क्या प्लस प्लस ओके सर बहुत बढ़िया मुझे ओमेगा निकालना है तो यम आर ओमेगा स्क्वायर ये इधर आया तो बच्चों माइनस होता है मास कितना है हाफ आर कितना है बच्चों टू ओमेगा स्क्वायर टेंशन है तीस माइनस वन मल्टीप्लाई टेन बच्चों हो गया आंसर मिला टू टू कैंसल है ना टू टू कैंसल ना बच्चों टू टू कैंसल और ये भी आ, मास से बेटा हाफ हाफ है यस मिल गया बेटा आंसर तो मिला है लेकिन आप मुझे करके देना पड़ेगा बाकी कुछ नहीं पांच आंसर सबको पता है यस तो ओमेगा स्क्र होगा पच्चीस और पच्चीस का रूट गया तो रूट आएगा तो पांच रेडियन बच्चों प्रैक्टिस बहुत खतरनाक होने वाली है आपकी आप टेंशन मत लो टेंशन मत लेना बच्चों 2022 के सवाल है ये पूरे 2022 के सवाल को 2020 हजार बीस किया गया है 2022 के सवाल है अपने पास ब्रह्मास्त्र बुक है उसमें भी देख सकते जिसको पूरा सॉल्व कर रहा है पीजे मैंने आप ब्रह्मास्त्र बुक है बेटा उसके लिए बहुत ही खतरनाक तरीके से बना के रखा है हम लोगों ने ठीक है ना ओके चलिए बताओ बताओ भाई जवाब बताओ आंसर बताओ आंसर होना चाहिए मुझे बस चलिए बोलो जल्दी से ओके कौन कौन बच्चा है हर बच्चा आंसर देगा क्या क्या सवाल है सोलिड स्पीयर है रेडियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट डिस्टेंस आर बाय सेंटर मतलब बच्चों सॉलिड स्पियर है हाँ सर एक सेंटर एक्सिस पास हो रहा है हा सर और एक मिड से बच्चों ऐसे ये जो है ना आर बाय टू बोल रहा है पैरल एक्सिस का तेरे में है होता है स्पियर का बच्चों सेंटर से टू बाई फाइव या मास की और जो ये छह बच्चों वो है आर बाई टू फार्मूला कौन सा इस्तेमाल कर रहे ये कोई टेंशन है मेरे भाई यही फार्मूला तो ये आईसी है टू बाई फाइव एम आर स्क्वेयर और ये यम यच का स्क्वायर यच मतलब इसका स्क्वायर बनाना है तो आर स्क्वायर टू का होगा यहां पे फोर समझे तो क्या होगा बेटा सिंपल सी बात है यहां पे मैं कर रहा हूं क्या आ, ये हो गए आठ है ना ये हो रहे आठ स्क् और ये फाइव एम आर स्क बेटा और एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बीस हो रहा है सही है फाइव टू करेक्ट है ना ओके तो क्या हो रहा है बेटा 13 बटे बीस यम आर स्क होना चाहिए था यस बेटा ए ऑप्शन करेक्ट है ए ऑप्शन मुझे बताओ पहले चैप्टर में क्या दिक्कत आ रही बच्चों कोई दिक्कत है क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल पे भी ले रहा हूं लेकिन वो आप लोगों को इसलिए लग रहा है कि मैं सॉल्व करके दे रहा हूं सॉल्व करके देखो कभी कभी परेशानी भी हो जाएगी 2022 के क्वेश्चन आ रहे दो हजार बाईस आते दो हजार बाईस के भी सवाल है 2022 के भी सवाल है बेटा समझे क्या आप दो हजार बाईस के भी सवाल है ऐसा मत मानो कि नहीं बोल के चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं बच्चों जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यस बेटा एक बात बोलू ऑनेस्टली लेक्चर करो गेला सब इजी लगेगा लेकिन उसके लिए ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी होता है टेक्स्ट बुक सामने रखो के अंडरलाइन करो एक दो तो झम झम झ हो रहा है सर झुमझुम <laughs> रहे बोल रहा था क्या फार्मूला जो लिस्ट है बेटा ये आपको ऐप पे मिलेगी ये पूरा पीजे एक लव्य बैच का फोल्डर दिखेगा जैसे टॉपर टॉपर एडवांस दिखते ना वैसे उसमें फ्री है किसी को कुछ पैसा देना नहीं है चलो बच्चों बढ़ते आगे हम लोग सबसे पहले देखते हैं फोर्स प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया बोलो

एप्सुलट प्रेशर एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है बच्चों इसी को हम लोग प्रेशर गेज कहते हैं इसी को क्या कहते हैं प्रेशर गेज कहते हैं और फोर्स का फॉर्मूला अगर निकाले जाए बाई ए वन सर के ऊपर टेंशन बच्चों सर पे टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये प्रॉपर्टी ओनली आपको जो प्रॉपर्टी है कौन सी सरपे टेंशन की ये प्रॉपर्टी मिलती है हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड पे मतलब जो पानी रुका है जैसे फ्लूइड है स्थिर है बेटा एक जगह पे तब ये प्रॉपर्टी दिखाई देंगी अगर पानी फ्लो हो रहा है तो सर पे टेंशन नहीं होगा सर पे टेंशन कब होता है जब कोई फ्लूइड रेस्ट पे हो तो इसके ऊपर देखो छोटे-छोटे इंसेक्ट चलते हैं है ना मकड़ी भी चलती है मकड़ना नहीं मतलब मकड़ी बोला मैंने ठीक है ना तो बच्चों ये सर पे टेंशन का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ बच्चों ये जो लेंथ है ना ये फार्मूला यूज करते समय पहले देखना कि डायग्राम कैसी है क्या है डायग्राम कैसी है तो डायग्राम ऐसी है बच्चों जैसे सर्कल रहे तो ये जो लेंथ है टॉइस पार बनेगी सर्कम फ्रंस ऑफ सर्कल समझ में आ रहा है बेटा उसके बाद में आपको कौन सा

तो अंदर भी हवा बाहर भी हवा तो दो कांटेक्ट में आ रहे सरफेस, तभी हम लोग लिखते हैं टू भी लिख सकते हैं। ये जो लिक्विड समझो हमने हमारी घर पे फर्शी है पानी की बूंद ऐसे मार के देखो देखो पानी की बूंद बन जाती है बच्चों तो वो कैसे सेफ ले रहा है लिक्विड का ड्रॉप

तो बच्चों एक ही क्वांटे आ रहा है लेकिन बबल जब रहता है ना तो बबल के अंदर भी हवा वो छोटे बच्चे नहीं क्या उड़ाते ऐसे बबल, ऐसे बबल हवा में उड़ाते देखा होगा उस बबल की बात कर रहा हूं इसीलिए हो जाता है डबल बच्चों बबल हो जाता है डबल डबल क्यों लिखा देखो टू का डबल फोर होता है टू का डबल फोर होता है बच्चों चलिए बढ़ते बच्चों कैपिलरी देखो कैपिलरी एक्शन के कारण हमारे घर में तो बहुत दिखाई देते जैसे कि भैया गलती से क्यों ना हो लेकिन नहाते होंगे आप लोग एक साल के बाद छह महीने के बाद जो भी होगा आपका आपका मुझे पता नहीं भैया मैं क्यों आपसे लड़ूंगा यहाँ पे है ना तो आप लोगों ने देखा होगा टवेल होता है भैया हम लोग टवेल से क्या करते हैं हमारे अंग के ऊपर जो पानी की बूंद होती है छोटे 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 है ना वो सिकुड़ लेता है क्योंकि वो धागा है ना रिएक्शन है हाँ जी पानी पेड़ को पानी कैसे जाता कैपिलरी एक्शन के कारण छोटे छोटे ने क्या जैसे हमारी नस होती है है ना ऐसे छोटे छोटे वैसे जाते बेटा पानी मिल जाता है फ्रूट्स को वो, पत्ते को सबको मिल जाता है ना है ना बच्चा हंस रहे यार मैं सही बोल रहा हूं आपको क्या पता आप तो नहाते होंगे जो बच्चे नहाते नहीं उनके बारे में बता रहा था आपको क्यों बोलूंगा भाई मैं ठीक है और, और बच्चों हम लोग देखते पहाड़ी इलाकों में ऊपर से पानी आ रहा है

ये फार्मूला बना सकते हैं हम लोगों को मैक्सिमम इन्हें देखा यच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब पर सवाल पूछते हैं मोस्ट आईएमपी इसी के ऊपर ज्यादा सवाल है हाइट और रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब के बारे में मैं अक्सर देखता हूं बच्चों यही ज्यादा फार्मूले आते हैं तो इसको दुआ में याद रखना आपको दुआ लगेगी मुकेश सर की दुआ चाहते हो भैया चाहते हो तो इसको करना पड़ेगा क्या कर रहे हैं बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है बच्चों देखो यार पहले तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है जो पानी स्मूथ फ्लो हो टर्न फ्लो क्या होता है जो पानी में बाढ़ आ जाए नदी में बाढ़ आती है है ना पानी के पार्टिकल नीचे ऊपर नीचे ऊपर करते बच्चों तो ये जो स्ट्रीमलाइन लाइन टर्बुलेंट फ्लो में जो कन्वर्जन होता है उसकी जब स्पीड होती है उसी स्पीड को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं और वो होती है मेरे बच्चे यहां पे आर रो आर सॉरी ईटा डिट बाय रोडी ये क्या बच्चों कोई फ्यूशन ऑफ विस्कोसिटी है ये कौन है बच्चों बच्चों कोई फ्यूशन ऑफ विस्कोसिटी रो इज द दे डेंसिटी बच्चों

अगर मेरा 2000 से आर ग्रेटर हो आर ग्रेटर बेटा ये आर लेस देन था तब बच्चों टर्बलन फ्लो मानते हम लोग टर्बलन फ्लो मानते हैं और ये 1000 से 2000 के बीच में हो तो अनस्टडी मानते हैं ठीक है अनस्टडी मानते हैं ये बात समझ में आना बहुत ही जरूरी थी चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों ये है क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी एक्चुअली एक विस्कस फोर्स होता है चिपकने वाला फोर्स चिपकने वाला हाँ हम लोग भी बहुत चिपकते हैं सर किसी किसी को क्या बोलना तो वो जो फोर्स होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया कितना है और वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है बस यफ इज इक्वल टू लिखा जाता है ये कांस्टेंट टर्म बच्चों ये ए डी वी बाई इस फार्मूले से हमने इस फार्मूले को तैयार किया है बच्चों क्या किया है तैयार किया है चलिए ये जो स्टुक्सला है बच्चों वो है सिक्स मतलब जैसे कि कोई फ्लूड फ्लूड में मैंने बॉल डाल दिया कितना है कितना चिपकता है बच्चों तो ये सिक्स पाई कॉन्स्टेंट है अब टर्मिनल वेलोसिटी की बात करूंगा बच्चों में टर्मिनल वेलोसिटी बच्चों अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ना आता ना

और ये फोर्स क्या करता है ये नीचे आता आता स्पीड बढ़ती बढ़ती बच्चों विस्कस फोर्स जो है वो बढ़ेगा ये तो कांस्टेंट कांस्टेंट है है थ्रस्ट फोर्स है। पानी के अंदर देखो बॉल डुबा के देखो बॉल डुबेगी नहीं क्यों ऊपर फोर्स लग रहा है अब थ्रस्ट फोर्स कहते उसको और ये जो विस्कस फोर्स है ना जितनी स्पीड बढ़ गई उतना बढ़ते रहता है बढ़ते रहता है और ये दोनों इक्वल होके ये इक्वल हो जाता है और इसी से मेरी एक टर्मिनल वेलोसिटी का मिलता है ये ही होती है टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती नहीं तो अगर स्पीड बढ़ती बढ़ती ना तो पानी की बूंद डायरेक्ट आके हमारा सी तो इससे डायरेक्ट यहां से गई अंदर से ऐसे 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 नीचे भैया समस्त्वना? समझ दो ना समझ पा रहे हो बच्चों ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए क्या हो रहा है बाबा हाँ जी ओके चलो अंदर जाते बच्चों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जितना मास अंदर गया उतना ही बाहर आएगा जितना अंदर गया था उतना इसीलिए बच्चों यहां पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने ए वन वी वन इज इकोल टू ए टू वी टू कॉन्स्टेंट लिखा है ओके ए भी मतलब डी बाई डी भी लिख सकते इक्वेशन से बच्चों हम लोग प्लेन उड़ा रहे हवा में हमारे घर के छत क्यों उड़ जाती है प्रेशर का डिफरेंस होता है बच्चों इसके कारण होता है समझे ना इंजेक्शन दे देना इंजेक्शन या स्प्रे पता है स्प्रे स्प्रे देता उसमें भी बॉर्नलिज इक्वेशन है बच्चों तो इसमें तीन एनर्जी प्रेशर एनर्जी कैनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिलेगी बच्चों P is the pressure, ये kinetic energy, by 2, rho v g h तो speed of flux जो होता है, देखा होगा बड़ा देखो, ओपन करो छोटा पाइप होता है इसकी स्पीड होती है रूट ऑफ टॉई जीएच बच्चो है ना वेंजरी ट्यूब जो होती है स्पीड ऑफ फ्लो फ्लूड इन ट्यूब होता है टॉय जीएस वी टू माइनस वी टू स्क्स वी वन स्क्वेयर इसका प्लेन उड़ता है बच्चों प्लेन क्यों उड़ता हुआ है नीचे क्या होता है बच्चों देखो ऊपर के लेयर में ऐसी स्पीड बढ़ती है स्पीड बढ़ गई देखो यही पे समझ में आएगा मैं जो लिख के दे रहा हूं ना यही पे समझ में आएगा बेटा आपको एक मिनट में बता देता हूं देखो P ये वन बाई टू, रो वी ये रो जी एच ये क्या है बेटा कॉन्स्टेंट ये क्या आपका कॉन्स्टेंट अगर अगर मेरी स्पीड बढ़ गई स्पीड बढ़ गई तो प्रेशर कम होता है वैसे ही ऊपर से स्पीड कम होती है देखो स्पीड बढ़ जाती स्पीड बढ़ती ऊपर से क्योंकि प्लेन का ऐसा है स्पीड बढ़ गई प्रेशर कम होता है नीचे और वो प्लेन हवा में आ जाता है हवा में आता है अब बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ा रहा वन शॉट जिनको देखना है देख सकते बच्चों ठीक है चलो वन बाय वन सवाल करते ऑनेस्टली बच्चे सवाल का जवाब देंगे 2019 से 2022 तक सवाल है हमारे दो दो सवाल दो दो तीन तीन सवाल हर सवाल उठाया मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि इस सवाल को उठाया इस सवाल को नहीं उठाया ऐसा बिल्कुल नहीं किया बेटा ठीक है तो देख रहा हूं मैं किसमें है कितना दम और कौन कौन करने वाला अच्छी तरह से देखते दे, चलो हां जी फटाफट आंसर देना है आप लोगों को ताकि और बच्चों ये सवाल है ना रिपीट रिपीट हो रहे मुझे सवाल दे रहा हूं सबसे सस्पेंस बात सुन लीजिएगा ये सवाल रिपीट रिपीट हो रहे हैं हाँ जी इसलिए मेरी एक दरख्वास्त है सभी बच्चों को कि पी वाई क्यू करे दो हजार बाईस दो हजार इक्कीस दो हजार बीस उन्नीस तक सवाल करेंगे तो श्योर आपको कोई बच्चे बोलेंगे सर टाइम नहीं है कुछ नहीं देख के तो जाओ ऐसे देख के तो जाओ बुक्स में से अच्छा ये सवाल अच्छा अच्छा ये तो देख के जाओ देख सकते बेटा देखने को समय नहीं लगता देख के जाना चाहिए ये मेरा आपका सजेशन मेरे जो हेवीली सजेशन रहेगा अगर मुझे किसी ने पूछा सजेशन से क्या सजेशंस रहेगा सर 2023 रहे के एग्जाम को क्रैक करने का तो पीवाई क्यू पीवाई क्यू रिपीट 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 हो रहे बच्चों हां जी जो सवाल ज्यादा से ज्यादा बेसिस पे क्वेश्चन पूछे हैं एक सवाल उठा है दस सवाल होंगे बच्चों इसके ऊपर दस से पंद्रह सवाल के आसपास है बच्चों है ना चलिए तो ध्यान रखना बच्चों टू कैपिलरी ट्यूब है डिफरेंट डायमीटर है बच्चों Deep इन वाटर Diameter मतलब रेडियस डायमीटर मतलब बच्चों रेडियस है देखो ये ये है इसकी एक दूसरा है है ना डिफरेंट डायमीटर है डायमीटर देखो ये डिफरेंस है समझ में आ रहा है आपको diameter difference है. तो आपको पता है r आर तो मुझे बताओ यच इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है क्या होगा डिफरेंट डायमीटर और ये किसी पानी में डुबा दिया बच्चों इसको किसी पानी में डुबा दिया इसे समझे क्या होगा मोर ट्यूब स्मॉलर डायमीटर अच्छा हाँ ज्यादा चढ़ेगा जिसका रेडियस कम रेडियस मतलब ही डायमीटर रेडियस मतलब ही ही डायमीटर होता है ना बेटा जिसका देखो यही मोर ट्यूब लार्जर डायमीटर नहीं दोनों सेम नहीं होंगे हाइट भी ज्यादा और डायमीटर भी ज्यादा नहीं नहीं इनवर्स है जीरो तो नहीं है सेम बहुत तो नहीं होगा डिफरेंस है मोर ट्यूबे मतलब इसका रेडियस अगर आपके पास स्मॉलर है देखो स्मॉलर है तो हाइट ज्यादा तो डी ही ऑप्शन करेक्ट है बच्चों नेक्स्ट चलिए देखते हैं किसमें है कितना दम कौन कौन करने वाला है चैप्टर नेम <laughs> सो मग तुम्हें आसा विचार नर कैसा लदा ताईबा अक्का विचार करा पक्का आणि अभ्यासावरच मारा शिकका कस होईल कस होईल कस होईल दादा कस होईल रे दादा कसं होईल तुझं बावड्या चॅप्टरचं नाव माहिती नाही मॅकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्ल्युट चालू आहे म्हणून टू सो बबल हॅव रेडी आर वन बाय आर टू रेशियो बेटा फोर बाई थ्री वॉट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू ब्लो दिस बबल बबल हो जाता है डबल बबल हो जाता है बच्चों डबल ठीक है लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं वर्क डन इज इक्वल टू टॉइस टी इन डी है बच्चों तो ये टॉइस टी फोर पाई आर स्क्वायर. कोई टेंशन है मेरे भाई अरे भाई यहा है बबल है बबल या स्पीयर है और स्पीयर का एरिया होता है फोर पाई स्क्वायर मतलब वर्क डन वर्क डन इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर बच्चों कोई शक है मेरे भाई लोगों को चलिए मुझे रेशियो निकालना है वर्क डन का वर्क डन फर्स्ट वर्क डन सेकंड तो रेडियस भी बच्चों आर टू बाय आर वन का स्क्वायर बच्चों यहां रेशियो है बट वो उल्टा है तो हम लोग इसको बना देंगे बच्चों सीधा वही अच्छा नहीं नहीं सीधा नहीं सॉरी 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 भाई ये फर्स्ट डायरेक्टली डायरेक्टली वन और ये टू क्या है बच्चों पे फोर बाई थ्री, इसका स्क्वायर जिसको नहीं आता है वो बंगले पे आ जाना आजाना जायर जाला ये कोना जाला नहीं माझ्या बंगल्यावर मैं त्याला बंगल्यावर समजून सांगेल भाऊ बंगले पे आजाना समझा दूंगा भैया ना चार का स्क्वेयर नहीं आता है सर भाई मस्त एक मस्तित तो मस्त पानी करूं डायरेक्ट अरे सीधे बात था बच्चों, इसका करना चाहिए डायरेक्ट वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वेयर ऑफ रेडियस ये बात होनी चाहिए बच्चों ये सवाल आ रहे हैं 2020-19 को ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूं इतने इजी मैं एक बात बोलू बच्चों आपके फिक्स थर्टी फाइव इजी सवाल होने वाले हैं। आपके लिए खुशखबरी पंद्रह सवाल हार्ड होंगे लेकिन थर्टी फाइव पे आपको 90 के आसपास अगर आपको चालीस आते हैं तो नाइनटी नाइन परसेंट आने के चांसेस है भाई ध्यान रखना इन चीजों का हाँ लिख के लो भाई लिख के लो ये चलिए सिंपल सवाल है हर बच्चा बच्चा कर सकता है हवेली पे आ जाना नहीं बेटा हमारी हवेली नहीं यार इसलिए जो है उसको बोलना पड़ता है तेरे को क्या चल फ्रेम है बच्चों इस साइड यल डिफ इन सोप सॉल्यूशन सोप सॉल्यूशन में ये स्क्वेयर बुढ़ा दिया डुबा दिया ये देख इधर से भी 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 इधर से, से भी मुझे निकालना क्या बच्चों निकालना है यहां पे फोर्स है ना तो टॉइस टी इंटू यल चॉइस टी इंटू यल है तो यफ इज इक्वल टू टू यल कितने बच्चों चार एक दो तीन चार तो टॉइस टी और ये फोर यल है बेटा तो यफ इज इक्वल टू एट टी इंटू यल एट टी इंटू यल ठीक है सी ऑप्शन देख भाई सी ऑप्शन दे अरे बावड़िया नो देख बगा रे बहुत इजी है ना चैप्टर बहुत इजी है सही में बोल रहा हूं

फटाफट करते हैं बच्चों चलिए क्या बोला गया देखो कैपिलरी ट्यूब पे बच्चों मर्ज इन वर्टिकली वाटर कैपिलरी ट्यूब है वाटर के अंदर डाल दिया ओके राइज द वाटर इन कैपिलरी एच वन वेन द होल अरेंजमेंट इज टेक द डेप्थ इन माइंड बच्चों पहले मैंने क्या किया पता है कुछ नहीं मैंने एक जार ले लिया एक कैपिलरी ट्यूब ले ली और इस कैपिलरी ट्यूब को बच्चों मैंने पानी के अंदर डुबा दिया ये पानी कुछ ऊपर आ रहा था उसकी हाइट येपन थी बच्चों बाद में यही प्रैक्टिकल ये सरफेस ऑफ अर्थ पे कहा बच्चों अब यही प्रैक्टिकल मैंने खोद माइ थे ना तुम्हारा एकदम खड्डा तो खड्डा खड्डा पुरला पुरल याला धरला चांगला पानी है पानी रे पानी ये कहा है बच्चों माइंड में अभी ये प्रैक्टिकल चल रहा है मेरा माइंड में

रोज मतलब यच का और जी का रिलेशन इनवर्स है हा या ना मुझे यच वन इसके हाइट को यच वन बोला है तो चलो यच वन और ये है बच्चों यच टू इसको जी वन बोलेंगे इसको जी टू बोलेंगे यस तो इसको बोलेंगे जी वन यस बच्चों यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए जी टू इनवर्स है ना बेटा और यहां पे जी वन आएगा देखो एच वन जी वन यूनिवर्स टू जी टू यस जी टू क्या है प्रैक्टिस की होगी जी वन की वैल्यू जी है बच्चों G -G तो आपका D है भावा है भावा संग्बर? संग्बर बावा कर बावा ताई भाई विचार करा पक्का पटकन मार चलिए बोलो मेरे भाई चलिए मेरे बच्चे बहुत ही सच्चे तरीके से आंसर दे रहे बहुत खुश है चलिए देखते हैं किसमें है कितना दम चलो बच्चों हमारा टारगेट रहेगा आज कि हमारा जो भी काम दिया है ना उसको काम को कंप्लीट करना मैनेजमेंट प्रॉपर मैनेजमेंट करके करेंगे बच्चों चलिए हाँ जी नेक्स्ट है बच्चों नेक्स्ट है नेक्स्ट बोलो जल्दी जल्दी से करोगे तो जरूर करेंगे बच्चों के रहेंगे देखो फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक अवे द फ्लैट सर्कुलर प्लेट ओके रेडियस है दो सेंटीमीटर आर इज इक्वल टू टू सेंटीमीटर को मीटर करना है माइनस टू बेटा सरफेस ऑफ वाटर ओके और सर पे टेंशन दी वाला है सत्तर है तो सेवन इंटू टेन टू माइनस टू न्यूटन पर मीटर करता हूं बच्चों एक पॉइंट खा लिया मैंने ओके okay? फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक अवे द देखो पानी में मैंने क्या किया बच्चों जार लिया इसके अंदर पानी था एक सर्कुलर रिंग है सर्कुलर रिंग इसको पानी के बाहर लेके आया मुझे करना क्या है फोर्स कितना रिक्वायर्ड लगेगा अब पानी के कारण चिपक गया तो पानी नीचे खींच रहा है ना उसको मैं ऊपर खींच रहा हूं तो बच्चों सर्पेंट टेंशन का फार्मूला था फोर्स पर यूनिट लेंथ तो एफ निकालना है तो टी एल होगा लेकिन बच्चा ध्यान रखना ये लेंथ है सर्कुलर गोल एक टॉइस पाई आर करेंगे तो यफ ये वाला बेटा सेवन इंटू टेन टू तो माइनस टू ये टू पाई की वैल्यू है बाईस बटे सात बोला गया है और आर ए बेटा मेरे पास तू। तो टू टेन इंट्रेस टू माइनस टू सात से सात को मरवा दो यफ देख एटी एट हो रहा है ना एटी एट टेन रेस टू माइनस यस बेटा माइनस थ्री में बेटा देखो चलेगा तो यफ इज इक्वल टू एट पॉइंट एट टेन रेस टू माइनस थ्री न्यूटन में होता बच्चों ये सर्कुलर रिंग इसको उठा के लाना है तो पानी नीचे खेचता है चिपकता है ना पानी पानी चिपकता है बच्चों पानी क्या करता है चिपकता है यस बी जवाब है बच्चों बढ़ते आगे नेक्स्ट है बच्चों हाँ जी सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड ड्रॉप यू स्प्लिट इनटू कितना बच्चों देखो क्या बोला है लिक्विड का ड्रॉप है इसके पास एनर्जी यू है बाद में स्प्लिट होके छोटे, छोटे 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 नन्ने से मुन्ने से प्यारे से ऐसे छोटे छोटे पानी के बूंद बन रहे ऐसे कितना पांच सौ बारह द सरफेस एनर्जी कितनी होगी यह पूछा है सरफेस एनर्जी U1 बोलेंगे इसको U2 भले U बोला हो लेकिन हम यू बोलेंगे इसका रेडियस R इसका स्मॉल R बच्चों आपको पता है पहले वैल्यूम निकाला जाता है फॉर्मूला वॉल्यूम पहले और बाद में सेम होता है बच्चों मुझे बताओ एक ग्लास भर पानी अगर आपने वो मग्गा में डाल दिया तो वॉल्यूम तो सेम रहता वॉल्यूम चेंज नहीं होता

चलो सरफेस एनर्जी का फार्मूला फार्मूला क्या है बताओ बच्चों फार्मूला बताना है मेरे भाई यस यू टू क्या बोलेंगे कौन बच्चो है बच्चों तो ये ड्रॉप टी इंटू डी ए फार्मूला क्या बच्चों टी इंटू डी यस तो ये है यन टी इंटू डी एन क्या बच्चों ड्रॉप है तो यन ये टी और ये डी है बच्चों फोर पाई आर स्क्वेर एरिया ये एनर्जी का फार्मूला था टी इन बट ये एन क्यों लिखा है क्योंकि नंबर्स ऑफ ड्रॉपलेट ज्यादा है इसलिए तो चलो करते हैं बच्चों आगे देखो U2 नंबर्स ऑफ ड्रॉपलेट 512 सौ टी क्या है टी 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 दिया नहीं है रहने देते फिर हाँ जी ये फोर पाई आर स्मॉल आर क्या है सर आर है आर स्क्वायर बाय ओ oh, समझे चलो डिवीजन आता होगा उम्मीद करते हैं ये इसके एट टाइम से बच्चों यस आपको कैसे पता लगा एक अंदाजा अपना अपना इसको साठ माना इसको पांच सौ माना के आसपास हो जाएंगे तो U2 देखो इस आठ को यही रखता हूं बचा क्या बच्चों देखो T यहां पे फोर पाई आर स्क्वायर बेटा इसका अगर निकालते T इंटू डी ए देखिए इसका फॉर्मूला T इंटू डी ए तो टी इसका एरिया फोर पायर स्क्वेर है मतलब यू टू इज इक्वल टू एट टाइम्स ऑफ यू होगा यू वन बोलो या यू बोलो एट टाइम्स होगा बेटा समझे टाइम्स होगा चल भाई बढ़ते आगे दो हजार इक्कीस के सवाल चल रहे हैं हमारे दो हजार इक्कीस के सवाल चल रहे और आगे तो बढ़ना पड़ता है बच्चों भिड़ो भीने का नहीं भैया डरने का नहीं है डरने वाली चीज नहीं है बेटा चल एक्सेस इन साइड द वाटर ड्रॉप एक्सेस प्रेशर पी जो है बच्चों वो है साठ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमीटर वाटर ऑफ ड्रॉप सरपे टेंशन ऑफ वाटर टी दी वाला है 72 10 टेन टू माइनस थ्री बच्चों मैंने पॉइंट शिफ्टिंग किया ठीक है मुझे डायमीटर निकालना है डायमीटर मतलब टॉइस ऑफ आर निकालना है पहले आर निकाल सकता हूं और है क्या ड्रॉप ड्रॉप तो का एक्सेस ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला है टॉइस टी बाय आर तो आर टॉइस टी बाय पी है तो टू टी का है सेवनटी टू टेन रेस टू माइनस थ्री डिवाइड बाय पी है बेटा साठ साठ को ऐसा भी लिख सकता हूं मैं है ना ये हो जाएंगे सेवन वन टू मतलब बारह ठीक है तो ये हो गया ट्वेंटी फोर टेन रेस टू माइनस फोर बेटा माइनस फोर एक तो ऐसे रखो या 2.4 पॉइंट फोर टेन ड्रेस टू माइनस थ्री को हम लोग लिखते हैं बेटा 2.4 मिलीमीटर 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 लिखो मिलीमीटर mm. बट मुझे डायमीटर पूछा है तो डबल होता है ना टॉइस आर इज इक्वल होगा तो ये टू 2.4 मिलीमीटर mm, मतलब बच्चों 4.8 पॉइंट mm, एट मिलीमीटर ओवरली भी आंसर निकाल सकते थे बच्चे ये बी आंसर तिक्मार करने के चांसेस है तो बी मत करना मुझे पता है बी किया बच्चों ने वही बोल रहा हूं मैं कि गलती मत करना दुआ में याद रखना बच्चों जिंदा रहने के लिए भैया सोचना समझना होता है ऐसे ही बच्चे नंबर कम होते कभी कभी देखो छोटी सी गलती कितना बल्क मोटिवेशन आ गए क्या भाई मोटिवेशन पहले से लेक्चर में है बच्चों और भी कुछ कुछ बच्चे ऐसे जो पहले से ही लेक्चर में है है ना चलिए डरना मना है बच्चों चलो बहुत ही इजी सिंपल सा सवाल है दो हजार बाईस का सवाल है हर बच्चा बच्चा जानता है कितना इजी और बावला सा सवाल है बच्चों एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है पहले ए वन का ए वाटर राइज द आईडिय इफ क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस ए टू मैंने कम कर दिया बच्चों ये तो राइज द वाटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब तो कैपिलरी ट्यूब में पानी कितना ऊपर आएगा ये बताना है ये ये करके दिखा ये ये सबको पता है बच्चों इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ए टू बाय ए वन वन बाय नाइन बच्चों एरिया क्या होता है एरिया क्या होता है बाय स्क्वायर तो यहां पे अगर मैं ऐसा लिखू आर टू का स्क्वायर बाय आर वन का स्क्वायर तो चलेगा चलेगा बच्चा एरिया लिखना क्या और रेडियस लिखना क्या कोई गलत तो नहीं होगा सही है ना बेटा चलो इसका स्क्वायर क्या तो इसका रूट आएगा तो आर टू बाय आर वन वन बाई थ्री बेटा वन बाय थ्री है वन बाई थ्री है यस लेकिन मुझे हाइट का एक फार्मूला याद है दुआ में याद रखना बच्चों हमेशा की रेडियस का मैंने बोला था आपको एक कहानी कि भैया ये प्रोपोर्शनल मैक्सिमम सवाल आते हैं बच्चों यहां पे इसके ऊपर मैक्सिमम टाइम चीज प्रोपोर्शनल आर के ऊपर सवाल टिक मार करके रखो बच्चो हाँ जी मुझे करना क्या बच्चों राइज द वाटर इन कैपिलरी टू मतलब हाइट यच वन बाई टू निकालना है क्या रेशियो निकालना है ना बच्चों रेशो या यच्टु बाई यच्टु वन, क्योंकि यश टू के साथ मुझे कंपेरिजन करना है तो इसी को ऐसा ना लिखते हुए हम ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टा क्यों किया इसका रेशो उल्टा यहाँ पे तो चलो यार तो यू ये थ्री वन को यच ही बोलेंगे देखो लिखा है वहां तो बच्चा बच्चा जानता है कि ए ऑप्शन को टिकमार किया जाए समझते क्या बावड़नो अरे भावड़ो कर बाबा अरे बावड़ो जरा भाई अक्का विचार करा पक्का फिजिक्स चलिए चलो नेक्स्ट एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल रेडियस दिया है बच्चों आर, दो सेंटीमीटर इसके बाद में एक्सेस प्रेशर भी दिया है पचास डाइन पर सेंटीमीटर सर पे टेंशन कितना होगा एक्सेस ऑफ प्रेशर सोप बबल बबल बोला तो हो जाता है बच्चों डबल बबल को बोलना है तो हो जाता है डबल तो सबको पता होता है यहां पे फोर टी बाय आर मुझे टी निकालना है सर तो पी आर बाय फोर है ना यार ये क्या है बताओ प्रेशर है मेरे पास 50 आर एच 2 ओके सर और ये मतलब 100 बटे यार कोणाला येत नाही बाबा सगळ्यांना येत 25 आएगा है ना? तो टी इज इक्वल टू 25 डाइन सेंटीमीटर यस बेटा समझे समझ में आ रहा है सगडा सो पे क्वेश्चन आयत क नहीं यार आप तुमच्याकडे जर पीवाईक्यूज पुस्तक असेल तो उघडा कठिन प्रश्न नहीं पस्तीस क्वेश्चन सोपे ना रहे। बी पॉजिटिव रहा पैल पस्तीस मार्क तुम चाहिए। नहीं बस। इस बंदे को पूछना बाद में बाहर पुमा क्वेश्चन आता एक्सेस ऑफ प्रेशर।, प्रेशर वर क्वेश्चन कसा तो तुम तुम्हारा टी इज इक्वल टू टू टी इक्वल टू क्या बार ना, ये 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 कसाई नहीं संग हाँ खर संगी तो, सी टी कठिन नाही है बाबा बस तुझं लक्ष्य पाहिजे हाँ सर ते नहीं लागत करू का औषित्यूमत्तर का छू बोल के मैं आपको करवा दूंगा टेन्शन लेना देखो फोर्स ड्यू टू डेन्शन टी इन कॅपिलरी ट्यूब बॅलन्स बाय डाउनवर्ड वेट वेट मतलब ही फोर्स 75 फाइव टेन रेस टू माइनस फोर न्यूटन इफ सर्पेट टेंशन ऑफ वाटर सर्पेट टेंशन जो है बच्चों सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस टू न्यूटन पर मीटर द इनर सर्कम ऑफ़ सर्कल टॉइस पाई आर क्या आंसर ये सवाल है वो बोलिए बोलो लास्ट और फास्ट करके देंगे मेरे बच्चे बहुत ही सिंपल सा और इजी सा सवाल है बाकी कुछ ही नहीं है हर बच्चा बच्चा जानता है सर पे टेंशन का फॉर्मूला है टॉयस बाय फोर्स पर यूनिट लेंथ बच्चों यही तो यल है ना सरकम सर्कल ही लेंथ है तो यल बोलो आर बोलो इसी को बच्चों आप लोग सरकम सर्कल बोलो एक ही चीज है है ना चलिए तो क्या होगा बेटा ये हो देखने ये इधर आए ये इधर फोर्स कितना है वेट है बच्चों ये W वर्क नहीं है वेट वेट मतलब मतलब ही फोर्स नहीं नहीं तो बच्चों को लगेगा मतलब वर्क है ना बेटा सिक्स वन जा वन यहां पर हो गया पंद्रह सिक्स टू जा सिक्स और ये टेन रेस टू माइनस टू बेटा तेरे को क्या आंसर दिया है देख तू देख, देख 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 ये आंसर आएगा बारह पॉइंट पांच है रात और ये होता है मीटर में देख भाई देख ये आंसर होगा है क्या सोपा है ना सोपा है ना एकदा सगड़े ने लाइक मारा बर चला एकदा लाइक मार दो बच्चों क्योंकि एनर्जी मिल रही है आपके लाइक से इतने सारे बच्चों का पैर देख के यार बहुत ही खुश होता है दिल तो खुश होता है ये क्या हो रहा है भाई ये क्या हो रहा है कुछ नहीं कुछ नहीं सवाल सॉल्व हो रहा है भाई एक बार एक बार करेंगे मेरे बच्चे बहुत ही सच्चे तरीके से मजा आना चाहिए बच्चों मज़ा भिड़ू भिड़ू मज़ा आना चाहिए है ना ये आंसर फास्ट लो सर ओके लेता हो भाई कानिक थ्री ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन बेटा सही में ऑनेस्टली टेक्स्ट बुक ओपन करनी है Honestly, मेरे बच्चे टेक्स्ट बुक ओपन करनी है हाईलाइटर होगा तो हाईलाइट ले लो हाईलाइट नहीं होगा तो पेन से मैं बोल रहा हूँ बहुत ही आपके फायदेमंद की चीजें बताऊंगा देखो यार सबसे पहले होता है बॉयज लॉ बॉयज बच्चों इसमें है ना दिमाग में एक रखना है कि हमारे घर में जो सिलेंडर होता है वो सिलेंडर नहीं भैया मैं कोई आतंकवादी नहीं मैं सिलेंडर कर रहा हूं सर आप सिलेंडर क्यों कर रहे हो है ना क्या पाता हूं हो क्या नहीं, नहीं मैं सिलेंडर की बात नहीं कर रहा हूं हमारे घर में जो होता है गैस को सिलेंडर उसकी बात कर रहा हूं बच्चों तो देखते हैं बच्चों सिलेंडर ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर का एग्जाम्पल बच्चों देखो प्रेशर बढ़ गया तो वैल्यूम कम करते इस गैस का वैल्यूम कम तब बच्चों ध्यान रखना टी को कॉन्स्टेंट किया मैंने टी को क्या किया है बच्चों

नेक्स्ट बच्चों ये होता है प्रेशर कुकर इसको प्रेशर रॉ भी बोलना चाहिए तब बेटा यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा वी क्या होगा बेटा कांस्टेंट होगा सर एग्जांपल हाँ जी देखो आप घरे कुकर आते कि लोग खिचड़ी खाता रे भाऊ अरे भावड़ा नो खिचड़ी कि खाता को घरी खिचड़ी होते संगा बर मैं आज रि खाला रे, रे बाबा अरे भावड़ा मी आज खाला रे, रे बाबा कोना कोना चाहिए खिचड़ी होते चलिए बोलो खिचड़ी सबके घर में होती है चलो मैं नोट डाउन कर रहा हूं विशाल पाटिल हाथ ऊपर कर रहा है उनके घर पे आज खिचड़ी खाने के लिए आने वाला हूं मैं सर डायरी से लेता हूं <laughs> नहीं आता है ओके ओके देशमुख साहब के घर पे भी है अनुजा देशमुख दीदी के घर पे या सर किसी खास बनो ओ। चलो, आज तो बिल्कुल मुझे तो बस मुझे लग रहा है इतने हाथ ऊपर हो रहे कि मुझे दो महीना घर पे खाना खाने का काम नहीं मैं आपके घर पे आने वाला हूं चलो डिसीजन हो गया भैया चलो तो बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट होता है प्रेशर कुकर होता है ना देखो टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है और आप के घर पे पूछो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है बच्चा वॉल्यूम बदलता नहीं है दो लीटर की तीन लीटर की ये रहती उसकी कैपेसिटी रहती है है ना तो टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर नहीं तो सिटी बसते ना ऐसी सिटी सिट्टी बस जाती है तो इसका कारण है वही बच्चों प्रेशर ज्यादा होने के कारण यन क्या होता है ये मास है बच्चों कोई गैस का और ये मोलार मास होता है लॉ के कारण एक इक्वेशन बनाया पीवी इज इक्वल टू यन आर टी पी वीवल टू एन आर टी एन इज नंबर्स ऑफ मोल इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है टेम्परेचर है, टी है पी प्रेशर विज द वैल्यूम इसकी वैल्यू वैल। थ्री फोर जूल पर मोल केल्विन होती है बच्चों इसी के जगह पे यन के भी, टी भी लिख सकते के इज द बॉल्समैन कांस्टेंट उसकी वैल्यू वन पॉइंट थ्री एट इंटू टेन टू माइनस ट्वेंटी थ्री जो ये आपको वैल्यू दे देंगे टेंशन मत लेना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों ठीक है आपको एक ये ये एच एस सी बोर्ड में एच एस सी बोर्ड में आया था एच एस सी बोर्ड एग्जाम दो हजार तेईस में आया था तो इसका मतलब सीटी में भी इंपॉर्टेंट है, है ना और यहां पे ऐसे भी लिख सकते तो बताऊंगा कैसे होता है जैसे कि मेरा एक गैस मोलिकूल इस रूम में जा रहे हैं टक्कर मार रहे इसको मार रहे इसको मार रहे तो ये जो प्रेशर होता है ना ये प्रेशर होता है वन बाय थ्री रो वी स्क्वे कभी कभी इसी को ऐसे भी लिखा जाता है वन बाई थ्री रो सी स्क्वेयर भी लिखा जाता है बच्चों समझे ऐसा भी लिखा जाता है या ऐसे भी लिखा जाता है पी वन बाई थ्री एन एम बाई वी है ना ये सी स्क्वेयर ऐसे भी लिखा जाता है यस बच्चा ऐसे भी लिखा जाता है ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है ओके ऐसे भी लिखा जा सकता है साक्षी आपका करेक्ट ओके यह समझ में आ रहा है चलो आगे बढ़ते बच्चों। कैनेडिक एनर्जी का फॉर्मूला है थ्री बाई टू पी वी थ्री बाई टू की प्रेशर वी इज द वैल्यूम बच्चों। कैनेडिक एनर्जी एक मेर्स रिलेशन से कौन सा रिलेशन मेरस रिलेशन है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर माइनस सीवी इज इक्वल टू आर और इसका मैंने मतलब होता है पेसिफिक हिट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पेसिफिक हिट एट कॉन्स्टेंट वैल्यूम आर इज सेम बच्चों बस ये नॉट डिवाइड करना है। सेम फार्मूला है जैसे बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब एक रहा तो कहां जा सकता है सर यक्स वाई और जड़ हमारा ब्रह्मांड पूरा ब्रह्मांड तीन एक्सिस पे डिपेंड है कितने एक्सिस पे है? तीन एक्सिस पे डिपेंड है बच्चों बोलो कितने एक्सिस पे डिपेंड करता है तीन एक्सिस पे डिपेंड करता है यक्स वाई जड़ तो ये मोनो मतलब सिंगल रहा तो यक्स वाई जड़ एक्सिस जा सकता है अगर डायटोमिक रहा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पांच पांच सर कैसे ता? देखो यक्स वाई जड़ तो जा रहा है बच्चों यक्स वाई जड़ तो जा रहा है

पता तो लगा कि क्या हो रहा है बेटा ठीक है तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइव रहा तो सिक्स होते ठीक 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 है? है, है? है का बच्चों, ना? तो आप देख सकते हैं Cv रहा तो ये सीपी रहा तो प्लस वन करना है बस फॉर्मूला क्या बेटो? आर। और Cp रहा तो प्लस वन करो बस और गामा होता है सीपी बाय सीबी बच्चों सीपी बाय सीबी या दोनों का डिवाइड करो तो मिल जाएगा मोनो मोनोएटॉमिक के लिए आपको 1.66 मिलता है डाटॉमिक के लिए बच्चों 1.4 मिलता है और पॉली के लिए 1.33 कम 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 होता है देखो 1.66 1.4 1.33 समझे किसी को अगर खुद के मसल्स बनाना है तो हमारे पास डम्बेल है है ना लेके जा सकते हैं ये सब फार्मूला कल ही पढ़ा था सर ओ वेरी गुड और ये चाहिए तो पीजीएमएन ऐप पे मिल जाएगी एक लव्य बैच में पीजीएमएन ऐप पीजीएमएन ऐप पे मिल जाएंगे ओके बच्चों अगर आपका एवरेज ही निकालना है बच्चों वेलोसिटी का तो एवरेज कैसे निकालते हैं आपको भी छह सब्जेक्ट है एवरेज निकालते होंगे वैसे इसका भी एवरेज निकालते हैं कैसे v1 प्लस, v2 plus vn n टोटल कितनी मॉलिक्यूल की स्पीड है v1 v2 v3 v4 डा बी एन डिवाइडेड बाई जितने स्क्वेयर करना है तो करो देखो रूट करना है तो बस रूट करो वही चीज है एवरेज ही निकाल रहे हैं लेकिन हम लोग अलग अलग तरीके से इसको कैसे देख सकते हैं यह देख रहे बच्चों यस समझ में आ रहा है बच्चा बच्चा जानता है इजी है बोल के समझ में आ रहा बेटा या ना well. यार चलिए बढ़ना आगे बच्चों नेक्स्ट अब रेडिएशन देखो पहले केटीजी चैप्टर था अब रेडिएशन चैप्टर है सिंपल है बच्चों देखो यहां पे अगर मैं ऐसा कर दू समझो मैंने एक ले लिया बच्चों एक क्लास का स्लैब ले लिया ओके okay? रेडिएशन्स आ गई हीट आ गई कुछ होगी जो भी होगी क्यू नाम की इसमें से कुछ हीट रिफ्लेक्ट होगी बच्चों इसको कोई पेशेंस ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं कुछ हीट इसमें से ऑब्जर्व होगी बच्चों क्यूए बोलेंगे और कोई जो ट्रांसमिट होगी क्यूटी बोलेंगे मतलब आपने दी थी कितनी क्यू इसमें से कुछ क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी कुछ क्या होगी ऑब्जर्व होगी कुछ क्या होगी ट्रांसमिट होगी क्या बात समझ में आ रही है क्या समझ में आ रही समझ में आ रहा है बच्चों अगर इसी इक्वेशन को बाय क्यू करे इसको भी Q करे इसको भी Q करे इसको भी Q करे तो वन इज इक्वल टू बच्चों लिख सकता बच्चों इसका मतलब यह है कि कोई पेशेंस ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना यह लिख सकता फार्मूला मतलब कितनी हीट में से कितनी हीट रिफ्लेक्ट हो रही उसको कोई ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे यस मेरे बच्चे क्वेश्चन ऑफ ऑब्जर्शन कैसे करेंगे Q A बाई क्यू और ट्रांसमिट कैसे करेंगे क्यू टू बाई इसमें से कितनी ही ट्रांसमिट हो रही Q में से कितनी ऑब्जर्व हो रही कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है ओके okay? यहां पे अगर R इज इक्वल टू वन है तो वो परफेक्टली रिफ्लेक्टर है इसका मतलब A इज इक्वल टू वन है तो कोई पिशन ऑफ ऑब्जर्शन उसका वन है बच्चों टोटल जितनी हीट आ रही उतना ऑब्जर्व कर रहा है और टी इज है तो वो ट्रांसमिट कर रही है पूरी की पूरी जितनी आ रही है उतनी ही वो ट्रांसमिट कर रही है इसका मतलब ये होगा ठीक है बच्चों तो फॉर ब्लैक बॉडी के लिए कोई ऑफ अगर one है तो इमिशन भी one होगा जितनी हीट आएगी उतनी तो रिफ्लेक्ट कर पाएगा बच्चों समझे रेडिएशन ऑफ पावर या पावर होता है अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बच्चों रेडिएंट पावर मतलब क्या

और उसकी वैल्यू टू पॉइंट एट नाइन सेवन वेवलेंथ का और और का का रिलेशन है बच्चो का रिलेशन है। बच्चों ये। वेवलेंथ इन वर्षा देखो लैमडा टू टी टू बाय टी वन वही स्टेप लॉक क्या कहता है रेडिएशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो ये रेडिएशन पावर इज इक्वल टू सिग्मा टी टू फोर बच्चों ये होता है बच्चों यहां एक ई e होता है हम लोग लिखते नहीं क्यों क्योंकि हम लोग मानते हैं तो इसलिए नहीं तो लिखना है तो ई e ऐसा लिखना चाहिए सिग्मा टी रेस टू फोर लिखना चाहिए बच्चों कुछ बच्चे तो आर की वैल्यू लिखते हैं आर इज द रेडियंट पावर होता है अमाउंट ऑफ हिट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम यहां पे सिग्मा टी ऐसे भी लिख सकते हैं ओके तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हिट कितना कर सकता है ये निकालने का फार्मूला बच्चों आर मतलब ही होता है अगर ये इधर गया देखो क्यू बाई टी ये इधर गया तो ई सिग्मा टी रेस टू फोर बच्चों इसी को कहते हैं

ओके okay? चलो हम लोगों को सवाल को भी उठाना है बच्चों सवाल 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 चलिए 2019 20 21 बीस इक्कीस के हर सवाल करवा दूंगा बच्चों एक बात बोलता हूं हमने सवाल ऐसे पूछे हैं जो सवाल रिपीट 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 रिपीट, रिपीट, रिपीट आते हैं मैक्सिमम टाइम उसी सवाल को मैंने उठाया है बच्चों तो उम्मीद करता हूं कि सभी के सभी बच्चे हर सवाल करेंगे ताकि आपको चलो बहुत बच्चे चाय पीने वाले हैं मुझे भी पिलाओ दो अभी लोग चाय मत पीना बेटा ठीक है ना चलो डट के रहना है बच्चों और करके देना है हमको कोई भी हालत में देखिए द रेशियो ऑफ ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिकुल टेम्परेचर टी वन है टी वन टी टू दोनों टेम्परेचर से लग रहे हैं मुझे दो सौ तिरहत्तर डिग्री सेल्सियस इज

मॉलिकुलर वेट है बेटा बात समझ में आ रही है टेम्परेचर के साथ रिलेशन नहीं बनेगा सबको पता सबको आंसर भी मिला वेरी गुड बहुत बढ़िया बच्चों सी मुझे रेशियो किसका निकालना है बच्चों वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन यश टू और ओ टू यह प्रोपोर्शनल है यम टू यश टू ओ टू क्या बेटा थर्टी टू ये टू ये रूट ऑफ हो गया भैया चार डिवाइडेड कुछ नहीं मतलब वन फोर इज टू वन इसका फोर इज टू वन डी ऑप्शन आ रहा है कि बेटा डी वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बच्चों डट के रहना है हार मत मानो जो बच्चा हार मानता है ना उसका कुछ खरा नहीं है अब चाहते हो ना कुछ करना तो इस सवाल को अच्छी तरह से करो मेरे साथ ही करना है बच्चों बिल्कुल लास्ट तक नहीं हलेंगे बच्चों पांच चैप्टर कंप्लीट करके देने वाला वादा कर रहा हूं मैं, और यह सवाल देखना हमेशा, हमेशा दे रेड तो था बाद में ऑरेंज हो गया देन टू ब्लूश व्हाइट बाद में ब्लूश व्हाइट हो गया फ्लेम बच्चों एक कैंडल से उसको गर्म कर रहा था तब कलर देखा पहले रेड था बाद में ऑरेंज हो गया बाद में ब्लूश व्हाइट हो गया दी चेंज द कलर कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कौन से बेसिस पे कर सकते बच्चों मुझे पता है कलर क्यों चेंज होता है वेवलेंथ चेंज होगी तो कलर चेंज होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ वेवलेंथ चेंज है ना तो क्या होगा बच्चों कलर चेंज होगा आपका जो कलर है बच्चों कलर चेंज होगा समझे वेवलेंथ चेंज तो कलर चेंज

मुकेश सर आपके वजह से फिजिक्स इजी समझ में आ रहा है थैंक यू बेटा उदौद उदौ थैंक यू थैंक यू बेटा और भी बहुत सारा कुछ करना है डट के रहेंगे बच्चों कोई हार नहीं मानेगा मेरा बच्चा क्योंकि हम लोग ऐसे बच्चे बच्चे नहीं है बच्चों जो कि डट के रहने वाले बच्चे है आर एम एस वेलासिटी है बच्चों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट ए टेम्परेचर टी सेवन टाइम ध्यान देना बच्चों सात गुना ज्यादा बोल रहा हूं मैं कितना गुना बोल रहा हूं बच्चों सात गुना ज्यादा बोल रहा हूं कितना गुना सात गुना किसके स्पीड ऑफ यहां पे जो बच्चों हाइड्रोजन इज सेवन टाइम ऑफ स्पीड ऑफ नाइट्रोजन बच्चों यही बोल बोल रहा रहा हूं हूं ना सही बच्चों सही बोल रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं सी एच बाई सी ऐसे भी लिख सकते हुँ? नहीं लिखना है तो मत लिखो चलो टेम्परेचर टी वन क्या है मेरे बच्चों टी वन क्या वन क्या है, T1 क्या है?

समस्त तो का बाबा भाई भाई आपका विचार करा पक्का आणि फिजिक्स वर्ष नीट महाराष्ट्र सिक्का ये सारे नोट्स पीजीएमएन ऐप पे मिलेंगे क्या हाँ लेक्चर होने के बाद पीजीएमएन पीजीएमएन फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाईक जैसे वैसे है ना ठीक है ना तो उस पे मिल जाती एक लव्य बैच में बच्चों चलिए चलिए तो CH बाय CN करते हैं हमको पता है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों इसको हम लोग टी वन बोलेंगे या ही बोलो है है ना नहीं ये तो नाइट्रोजन का दिया है मेरे ख्याल से टेम्परेचर हमको तो नाइट्रोजन का दिया है ना यस yes, नाइट्रोजन का दिया है यन बोलो सर यन टी एच बाय टी एन और ये जो मास है ना यूनिवर्स है बेटा उल्टा है उल्टा तो नाइट्रोजन और ये है बच्चो नाइट्रोजन बोला था क्या हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन सॉरी बच्चों हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बोला ये नाइट्रोजन है और ये मास ऑफ द ये क्या बच्चों आपका ये नाइट्रोजन या हाइड्रोजन ओके चलिए करते बच्चों देखो टेम्परेचर ऑफ ये निकालना है यस बेटा ये कितना है टीएम तीन है नाइट्रोजन कितना है अट्ठाईस ये कितना है दो बेटा तो आप जानते हो इनका रेशो सात है हाँ जी यहां पे बच्चों हमारे पास ये हो गए चौदह तो चौदह टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन तीन सौ स्क्वेरिंग द बोथ साइड करो बच्चों स्क्वेरिंग द बोथ साइड करो ये फोर्टी नाइन होगा ये चौदह टी एच डिवाइड बाई तीन सौ यस बेटा तो क्या होगा कालिया तेरे साथ है देख यहां पे फोर्टी नाइन ये 300 डिवाइडेड बाय 40 आएगा हाँ सर सेवन सेवन जा सेवन टू गए तो ये मिल रहा है मेरे पास जीरो ठीक है थर्टी थी फाइव तीन कैरी सेवन ये हो गया ये ये मिला बेटा मुझे केलविन केलविन में ही लिखा था पहला तो केलविन ही होगा सी ऑप्शन है बेटा सी सी ऑप्शन आना चाहिए था सी यस ओके okay, कुछ ही नहीं बेटा एक बार एक आदत लग गई ना फॉर्मूले सॉल्व करने की ठीक है ना तो श्योर हो जाएगा देखो बच्चों जब तक हम लोग नहीं क्या किसी चीज में नहीं जाएंगे अंदर और वो भी डट के बिल्कुल बेटा ना घबराते हुए अंदर जाना पड़ता है श्योर आपका जो सक्सेस वो सक्सेस मिल जाता है लेकिन उसके लिए मेहनत 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 के बिना कुछ नहीं होता है मेरे बच्चे बहुत ही सच्चे तरीके से बोल रहा हूं देख Temperature of two star ratio T1 T2 इनका दे वाला है 3 by two wavelength of maximum intensity of first star wavelength lambda one चार angstrom unit corresponding second कितना होगा अब ये तो simple Wien's displacement law जब जब temperature और वेवलेंथ की बात होती है मेरे बच्चों जब जब टेम्परेचर और वेवलेंथ की बात होती है घबराना नहीं होता है आगे जाना पड़ता है सिंपल सी बात है। रिलेशन है। ये इस बच्चा। मुझे निकालना है या। बाद बाद वन। ती वन, ती करना पड़ेगा। उल्टा है ना बेटा तो लैम्डा टू टी वन बाई टी टू टी बाई टू यह लैमडा वन इधर गया तो ये हो गया बेटा ठीक है चलो लामडा टू इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो जीरो दस इक्री है ना और तेरह यस बेटा हो गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया है ना डिवीजन करो लगे तो ये सिक्स ये फाइव अरे अरे भाई अरे भाई, अरे भाई गलती कर रहा हूँ मैं नहीं ना कुछ तो गलती हो रही है ये पाँच आना चाहिए ना यस देखो गड़बड़ मत करना आंसर तो मिल रहा है आसपास लेकिन करेक्ट तो होना चाहिए ना बेटा करेक्ट भी तो होना चाहिए हाँ जी ये जीरो ये जीरो पंद्रह है ना एक कैरी बारह तेरह हाँ जी तो ये हो रहा है ये यही आंसर मिलेगा आता है ना डिवीजन तो आता है ना बेटा डी ऑप्शंस मिलना चाहिए था क्या मिलना चाहिए बेटा डी ऑप्शन बहुत इजी इजी सवाल है ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है घबरा मत टी, बाई टी टू तो पहले इसका और दूसरे का है ना बेटा भा घबरू नको बसली प्रोपोशनल मन का हा लैमडा टू बायमडा वन है उल्ट टी वन बाय टी टू होगा करे एकदम थम्सअप कर दे तान नको घे लाइक बिन मार्ग टाके चल समोर चल दादा चलिए हाँ जी द मॉल्यू मोलार पेसिफिक हिट एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ आइडियल गैस सेवन बाय टू आर द रेशियो ऑफ पेसिफिक हिट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू द कॉन्स्टेंट वैल्यू ये वाला है ये कौन है कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट प्रेशर की वैल्यू मेरे पास सेवन बाय टू आर

मीते साम तो ना सी टी टाइम टेबल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये सेवन बाई टू माइनस टू ये आर बेटा है ना ऐसे ही होगा ना ये सीवी को तो क्या होगा बेटा यहाँ पे फाइव बाई टू आर होगा है ना ये वर्ड इन में आना चाहिए मुझे करना क्या बेटा रेशियो निकालना है निकालना है इसका मतलब सीपी पी तो ये सेवन बाई टू आर इसको डिवाइड ना करते हुए मल्टीप्लाई करता हूँ है ना ये टू नीचे जाएगा फाइव आर 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 कैंसल टू टू कैंसल सेवन बाई फाइव सी ऑप्शन बेटा ओरली पन आंसर यू शकेल तुम सर कितनी मुला आए कि पन करू सकते सब मैं ओरली आंसर निकाल सकता हूँ ऐसे सही में कितने अच्छे बच्चे हैं जो सच्चे तरीके से बताने वाले हाँ जी कितने बच्चे हैं यार कितने बच्चे हैं चलिए देखते हैं कितने बच्चे हैं कि सर हाँ जी ये सही में वी आंसर है बच्चों देखो अभी हमारे 1.7 के लाइक कंप्लीट हो चुके हैं मुझे लगता है टू के कंप्लीट होने चाहिए अभी क्या अभी देखते हैं कितना होता है वाह बहुत अच्छा लगा मुझे सब बच्चे आ रहे लाइक मार रहे थोड़ा सा सुकून मिलता है तो और एक बार सुकून होना चाहिए टू के आपको ही बोल रहा है टू के कंप्लीट हो गए चलिए आगे बढ़ते बच्चों द इमेसी पावर ऑफ स्पीयर ईरिया दी वाला बेटा ईरिया देखो दो हजार का सवाल है 4 टेन रेस टू 2 टू मीटर स्क्वेयर और, और बच्चों इमेसी पावर भी दी वाला द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट इतनी होगी बताना है चलो फटाफट बताएंगे मेरे बच्चे सच्चे तरीके से है ना पावर वाला बेटा टू सेवन इंटू टेन टू माइनस ट्वेंटी सेकंड ट्वेंटी सेकंड चलिए मुझे लगता है कि रेडियंट हीट ई बोल सकते हैं या आर भी बोल सकते हैं कुछ बोलेंगे आर तो देख सकते क्यू बाई ए टी मुझे क्यों निकालना है तो आर ए टी कर सकता हो बच्चों चलिए क्यू इज इक्वल टू आर जो है टी क्या है टी है बेटा ट्वेंटी ट्वेंटी बोलो या ऐसे भी बोल सकते हो इजी जाने के लिए बाकी कुछ नहीं ये ये मरेगा हाँ जी सर बचरा क्या मेरे पास देखो ये हो रहे आठ फिफ्टी और ये माइनस टू है बेटा तो इसको तो मैं पॉइंट शिफ्ट कर सकता हूँ 0.56 0.56 फाइव सिक्स डी ऑप्शन आना चाहिए था क्या आना चाहिए था बेटा डी ऑप्शन आना चाहिए था वो लिख सकते हैं किलो कैलोरीज सेकंड इनवर्स मीटर स्क्वेयर जो भी है ओके सिंपल है सवाल बेटा मुझे फिजिक्स के फार्मूला याद नहीं रहे क्या करूं विवेक देख बेटा इसीलिए तू क्या कर पहले तो आना चाहिए तेरे को नंबर नंबर दो कुछ कुछ बेसिक लेवल के सवाल है प्रैक्टिस करने से सवाल याद होते हैं हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस जितनी होना चाहिए सब फॉर्मूले रखने हैं क्या सर नहीं बेटा करो मेरे साथ प्रैक्टिस करो समझे क्या होगा कोई टेंशन मत ले तू टेंशन मत ले भाई चलिए दो आ जाए देखिए द वेलोसिटी फोर मॉलिक्यूल्स है इसका मतलब v1 वन बेटा टू मीटर पर सेकंड v2 है बेटा फोर मीटर पर सेकंड v3 है फाइव मीटर पर सेकंड और v4 है सिक्स मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली डिफरेंस बिटवीन द आरएमएस स्पीड देखो आर एम एस स्पीड ये मेरा एवरेज आर एम एस निकालना बहुत ही इजी और सिंपल सी बात है बच्चों वी आर एम एस या सी आर एम एस लिखा होगा V बोलो सी बोलो वी वन स्क्वायर वी टू स्क्वायर वी थ्री स्क्वायर वी फोर स्क्वायर डिवाइडेड बाय n मतलब फोर ये फार्मूला एक्चुअल में ये फार्मूला हमारे पास पता है तो फोर लिख दो यहां पे n भी लिखने की जरूरत नहीं थी नहीं लिखना चाहिए था चलो स्क्वायर डायरेक्ट करता हूं चार होता है दो का चार का सोलह होता है बच्चों पांच का पच्चीस होता है इसका 36 होता है डिवाइडेड बाय चार मॉलिक्यूल एक दो तीन चार है चार लिख दिया देखो क्या हो रहा है बच्चों बोलो 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 ये 20 81 हो रहा है क्या 81 हो रहा है बेटा ये चार मतलब 9 बटे 2 तो ये 4.5 है बेटा ठीक है याद रखना क्योंकि हमको डिफरेंस मतलब माइनस करना है बेटा डिफरेंस करना मतलब माइनस ज करना मतलब वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री सिंपल सी बात है तो ये टू प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स चार। बोलो, क्या हो रहा है बच्चों बटे चार क्या यस ऐसे मिल रहा है इनका डिफरेंस निकालो किस में से कौन माइनस करोगे इसमें से ये करोगे सिंपल सी बात है बड़े में से वी आर एम एस करोगे माइनस वी एवरेज करोगे तो ये है बेटा फोर पॉइंट फाइव ये फोर पॉइंट टू फाइव यहां पर जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर पर सेकंड यस बी ऑप्शन है बेटा हाँ जी चलो मजा आ रहा है ना बच्चों चलिए जाना आगे जी बोलो बोलो जल्दी से क्या दे है द टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इंक्रीजेस टेम्परेचर दी है टी वन एक सौ चालीस के और टी टू जो है बच्चों वो है पांच सौ साठ के

कि वी बोलो कुछ भी बोलो आर एम एस स्पीड है थ्री आर टी बाई एम है बेटा तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वी टू करतेचर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना स्पीड को तो रूट ऑफ टी टू बाठ और ये है है ना फोर्टीन फोरजार तो ये वी टू ये बेटा टू V1 को V बोलना है डबल हो गई डबल डी ऑप्शन से खूब सोपे फक्त 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 कॉन्फिडेंस मैं सॉल्व कराई अगर 2022 के बाईस की प्रैक्टिस किए तो चलेगा ना फार्मूले लर्न किया तो हां चलेगा बेटा लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो 2020 हजार 22 के कम से कम होने चाहिए अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो बच्चों तो ठीक है नेक्स्ट rms speed of gas temperature t is two times of rms speed जो स्पीड है उससे डबल करनी है बच्चों कैसे करनी है मैंने बच्चा 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 जानता है कैसे करनी है डबल करोगे डबल सो तो देयर कॉज c2 2 c1 मैंने क्यों किया मैंने नहीं बोला बच्चों डबल करो टू टाइम्स तब मेरा टेंपरेचर 320 था द वैल्यू ऑफ टेंपरेचर t2 क्या होगा मतलब T1 है मेरे पास 320 और तब T2 क्या होगा सबको पता है कितने बार फार्मूला लिख के दू मैं कितने बार दे दू भाई C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3RT आर टी बाई एम तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी ओरली आंसर है बाबा ओरली खरत साम तो है तो देखो मुझे करना क्या T2 निकालना है तो C2 टू बाई सी वन टी टू बाई टी वन ये इनका रेशियो C2 टू बाय सी का था दो तो ये दो रख सकता हूँ T2 ये 320 सौ स्क्वेरिंग करो तो चार T2 टू चार टाइम कराए जा चार टाइम करा यार संपला विषय अरे भावा संपला विषय है आता का मल्टिप्लिकेशन भी, भी, भी दे अरे भावड्या चलत ये हो गए आठ बारह बारह सौ अस्सी सिंपल क्वेश्चन है ना आणि तुम्हाला एक सांगतो तुम्ही फार टेन्शन घेऊ नका काही काही मुलांच्या डोक्यात की फिजिक्स फार कठीण असतात नाही जमणार नाही भाऊ तुम्हाला असे येणार की सगळे मुलांनी ज्यांचा अभ्यास आहे अभ्यास आहे खूप अभ्यास नाही अभ्यास आहे म्हटलं नाही खूप स्मार्ट वर्क नाही आहे अभ्यास आहे फक्त आमच्यासोबत लाईव्ह आहात तुम्ही फक्त तरी पस्तीस मार्क कवर होतील भाऊ पस्तीस नाईन्टी कदि -कदि हुई। आसाने बेटा वही बोल रहा हूं यही से क्वेश्चन आएगी क्या हाँ या ऐसे ही सवाल आने वाले हैं बच्चों नेक्स्ट आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू राइज द टेम्परेचर क्या है टू मोल्स ऑफ आइडल मोनो ऑटोमी मोनो का मतलब समझते बच्चों मोनो मतलब मोनो 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 बोला है बच्चों है ना मोनो ऑटोमिक मोनो ऑटोमिक के लिए देखो टेम्परेचर जो है टी वन है यहां पे दो सो तिरविन टी टू है तीन सौ चेंज चेंजिंग टेम्परेचर निकालना है तो टी टू माइनस टी वन होता है और ये सो है दोनों का डिफरेंस है देखो दोनों का डिफरेंस है बेटा वेन नो वर्क इज डन मतलब सीबी निकालना है कॉन्स्टेंट तो, वैल्यू नो वर्क का मतलब कांस्टेंट वैल्यू बेटा वो कितना होगा थ्री बाई टू आर टीना यस बेटा थ्री बाई टू आर टी यस सॉ बेटा है ना सीवी क्यों कर रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट की निकाल एन सी वी आर ना एन सीवी इंटू डेल्टी सॉरी क्या होगा डेल्टी होगा डेल्टी होगा यस अब यन कितना है टू देखो वो यन इज इक्वल टू टू है सी वी ऐसा है क्योंकि आर के फॉर्म में रखना है यस यही फार्मूला रख सकता हूं क्या और यहां पे करने की जरूरत नहीं फिर बस रख देते करवा देते क्यू देखो यन थ्री बाई टू आर इंटू डेल्टी ऐसा फार्मूला है यानी क्या है दो थ्री बाई टू आर रहने दो देखो आर दिया है बेटा यहाँ पे टेम्परेचर सो मतलब टू टू बोलो या सो बोलो कोई टेंशन नहीं थ्री टू टू, टू कैंसल ये हो गए थ्री हंड्रेड आर होगा बेटा थ्री हंड्रेड आर यस बी ऑप्शन से चैप्टर केमिस्ट्री से लेक्चर क्या नहीं मेरे ख्याल से मला सांगा खरंच हे कठीण आहे का काही कठीण नाही बोल तीन चॅप्टर झाले खरंच कठीण नाही आहे फक्त तुम्हाला तुमची एनर्जी आणि आता काही जण म्हणतात ब्रेक ब्रेक घ्यायचा तर घे बेटा तू लक्षात राहू दे मी इथून इतकं पाहिलं नाहीये टेन्शन घेऊ नको तू तर आप सोल्युशन बुक अरे नीरज बेटा सोता सॉल्व कर दो इलाज कमाले कमाले कमा कमाले <laughs> चलिए थर्मोडायनामिक चल रहा है बच्चों हमारा देखो यार सबसे पहले जैसे कि एक मानो कि मैंने एक सिलेंडर ले लिया ये सिलेंडर लिया अब ये सिलेंडर लेने के बाद ये सिलेंडर लेने के बाद मैंने इस पर पिस्टन्स लगा ठीक है एक पिस्टन्स लगा दिया हीट दे रहा हूं बच्चों में हीट दे रहा हूं अब हीट देने के दे बाद क्या होगा मेरे बच्चे सही बोल दो हीट देने के बाद देखो ये अमाउंट ऑफ हीट देगा तो इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल छोटे छोटे गैस मॉलिक्यूल से क्या है बेटा ये गैस मॉलिक्यूल से इस गैस मॉलिक्यूल को क्या मिलेगी मिलेगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब इस मॉलिक्यूल एनर्जी बढ़ रही है। उसको कहते हैं बच्चों, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है नंबर एक हो सकता है और क्या हो सकता है सर ये जो पिस्टन है ना आपका आपने जो पिस्टन लगा के रखा है शायद ये पिस्टन इधर यहां तक चला जाए वेरी गुड बेटा पिस्टन यहां तक जा सकता है ऐसे डिस्टेंस यहां तक जाए ऊपर जाए तो इसका वैल्यूम भी चेंज हो जाए चेंज इन वैल्यूम बच्चों चेंज इन वैल्यूम होना इसी को वर्क कहते हैं मतलब अपने अमाउंट ऑफ हीट दी थी उससे वाह क्या थी? उससे वा ये सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन वर्क हो गया बेटा अमाउंट ऑफ हीट देने से दो काम हो सकते हैं तो वही लिख रहा हूं फर्स्ट लॉ में डेल क्यू जो हीट दे रहा हूं चेंज कर रहा हूं इंटरनल एनर्जी और वर्क डन हो रहा है बेटा लेकिन अगर इस सिस्टम ने हीट ऑब्जर्व कर ली तो पॉजिटिव है अगर हीट रिलीज कर रहा है बाहर छोड़ रहा है बच्चों तो निगेटिव लिखेंगे हम लोग अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी इसलिए पॉजिटिव टेम्परेचर कम करो तो निगेटिव हो जाएगा बेटा वर्क डन का भी वैसे ही है अगर वर्क डन पॉजिटिव हो बच्चों वर्क डन मतलब अगर मेरा पिस्टन का वैल्यूम ऊपर जा रहा है वैल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव लेना है अगर आपने ये पिस्टन नीचे लाए नीचे 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 तब बच्चा निगेटिव वर्क डन होता है कॉम्प्रेशन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं कॉम्प्रेशन बोलते हैं ठीक है बात समझ में आ रही है बेटा चलिए तो यहां पे एरिया अंडर द कर होता है V1, V2, द होता है बच्चों इसके ऊपर आप वर्गल निकाल सकते हैं मतलब आपको पूछा बेटा मैंने ये देखो ये है बच्चों ये यहां से ये होता है प्रेशर ये होता है वैल्यूम ठीक है आपको मैं सवाल पूछ रहा हूँ फिगर ए देखो आपके लिए सवाल है बेटा दूसरा है बेटा यहाँ पे न, 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 ये है ये प्रेशर ये है ये वैल्यूम है बेटा फिगर बी है और यहां पे ये है प्रेशर ये है वैल्यूम फिगर से मेरा सवाल है बेटा सबसे ज्यादा किसमें? इसका बोलेंगे वन, इसका टू और इसका W3। थ्री वर्गन सबसे ज्यादा किसका मेरा सवाल है बच्चों आपके लिए बोलो बोलना तो पड़ता बेडू कौन कौन बोलने वाला है बताओ बोलो इसका जवाब देना है डब्ल्यू थ्री वेरी गुड क्यों अंडर किसने कवर है? अंडर देखो। इसका जो एरिया होगा इतना ही होगा ना इतना इतना ही हो रहा है ये इसका तो कोई नहीं इसका तो डन जीरो बेटा देखो ना वैल्यूम बढ़ रहा नहीं वैल्यूम बढ़ना चाहिए इसका इतना ईरिया अंडर हो रहा है देखो इतना ईरिया अंडर कर रहा है सबसे ज्यादा डब्ल्यू थ्री है यस मतलब W2 से बड़ा W1 है और इससे भी बड़ा W3 है ये एक रिलेशन बन सकता है PV इज इक्वल टू एनआरटी हमने आइडियल गैस इक्वेशंस ऑलरेडी के में पढ़ा था बेटो के में ये ऑलरेडी बोला था चलिए आगे बढ़ते बच्चों आइसोबोरिक आइसोकोरिक आइसोथर्मल और आइडोमेटिक प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ध्यान रखना बार मतलब प्रेशर बच्चों बार मतलब प्रेशर प्रेशर क्यों सर एक मेजर करने का डिवाइस है बैरोमीटर बैरोमीटर प्रेशर में तो प्रेशर जिसमें कांस्टेंट हो इसको आइसोबारिक कहते हैं इसमें वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का रिलेशन है इसमें वर्क होता है पी इन डीबी क्योंकि प्रेशर और वेल्यूम इसमें हमको एक बात रखना वैल्यूम आया तो वर्क आएगा वैल्यूम आया तो पी वी इज इकल टू एनआरटी भी आता है ठीक है आई सोर सो मतलब वैल्यूम बच्चों कोर मतलब होता है कोर मतलब होता है बच्चों वैल्यूम वैल्यूम तो इसमें वैल्यूम कॉन्स्टेंट होगा हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन है मेरे बच्चे तो ये देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों वैल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन जीरो क्योंकि वर्क के लिए प्रेशर वैल्यूम चेंज होना चाहिए जिसमें वैल्यूम चेंज जिसमें वैल्यूम चेंज जिसमें वैल्यूम चेंज होता है ठीक है जिसमें वैल्यूम चेंज होता है समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है बेटा ओके okay. समझ में आ रहा है क्या ओके वैल्यूम वर्क डन क्यू जीरो क्योंकि वैल्यूम चेंज होना चाहिए तब वर्क होता है वैल्यूम ही चेंज नहीं तो वर्क कैसे होगा नेक्स्ट

पी टू बी टू रेस टू गैमा ध्यान रखना बच्चों पहला फार्मूला दूसरा टी वन वी वन गैमा माइनस वन टी टू वी टू गैमा माइनस वन और T देखो यहां पे टी वन पी वन इसका ये जो फार्मूला है थर्ड मुझे लगता है कि बहुत कम इस्तेमाल करने वाले हैं बहुत कम इस्तेमाल बच्चों तो यहां पे भी अगर आपने पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन यहां पे वन माइनस गैमा अगर इसको उल्टा भी क्या तो चलता है। देखो उल्टा भी क्या तो चलता एनआर टी टू माइनस एनआर टी वन डिवाइड बाई वन माइनस को यही एडोबेटिक प्रोसेस वाली फॉर्मूले होती है ना? कितना इफिसेंसी इंजिन इसी के ऊपर तो हमारे गाड़ी की प्राइस डिसाइड हो सकती है ना तो W बाई क्यू वन बेटा ये क्यू कौन है हीट ऑब्जर्व एट हाइयर टेम्परेचर सोर्स से जो कर रहा है इसको लिख सकते क्यू टू माइनस क्यू वन By Q1. अगर मैं और हाइयर टेम्परेचर जो सोर्स ये है ब्रच ये, एक ये तो डब्ल्यू बाई क्यू वन लिखो नहीं तो क्यू टू माइनस बाई क्यू वन लिखो या इसी को वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन लिखो या वन माइनस टी टू बाई टी वन लिखो एक ही मतलब होगा वो डिपेंड रहता है दिया क्या रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर बच्चों हमारे घरों में भी है से या बीटा से दिखाते बच्चों बीटा इज इक्वल टू क्यू टू बाई डब्ल्यू देखो वहां पे क्या था देखना बेटा डब्ल्यू बाई क्यू वन था यहाँ पे क्या है ध्यान रखना क्यू टू बाई डब्ल्यू थोड़ा सा उल्टा लगता है ना तो इसी को क्यू टू क्यू वन माइनस क्यू वन बस जगह पे टी लिखना है बस क्यू की जगह पे टी मैंने इसके पहले भी फार्मूला बोला था देखिए बेटा तो ये हमारे सर हमेशा बोलता बी मतलब बेटा है है ना तेरा तो एक दो तेरा तो एक दो है ना तेरी तो एक दो तेरी तो एक दो चलो बच्चों मुझे लगता है क्वेश्चंस करना चाहिए ये चैप्टर मैं दोबारा बोल रहा इजी वेस्ट चैप्टर में से एक है इजी चैप्टर में से ये चैप्टर कोई भी बच्चा छोड़ेगा नहीं जिनको केमिस्ट्री और फिजिक्स का तालमेल करना आता है बच्चों ये फिजिक्स के लिए भी एक बोल तो मित्रों ब्रेक घून करना का एक डटके रहो बेटा जय से खाई से पियाई सा तो सुमुर गया काना थेड़पुन टाका खाद बसा दरा से बगा कारण की हा वे फार महत्वाचार है तुम्हारे तुम्हाला ब्रेक देना तुम्हें चल रु मग ये थोड़स आस करना तो मैं मता बेटा माला कि ब्रेक नहीं दुम तो देना अर्थ नहीं तुम्हारा सजेशन है ठीक है सिंपल है विथ द सेम इनिशियल कंडीशन एंड आइडियल गैस एक्सपांड फ्रॉम V1 वन टू वी टू इन थ्री डिफरेंस वे तीन डिफरेंस वे वर डन बाय गैस W1 वन प्रोसेस द आइसो थर्मल डब्ल्यू थ्री आइसो बारिक डब्ल्यू बच्चों में इसके लिए हमेशा एक ग्राफ निकालते रहता हूं इस ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है ये ग्राफ आपको पता है क्या <coughs> ये ग्राफ जिन बच्चों को समझ में आएगा उनकी लाइफ झिंगा लाला ठीक है ये देखो बच्चों एक है ऐसा वॉल्यूम आइसोकोरिक कहते हैं देखिए इसमें प्रेशर कांस्टेंट है ना ये प्रेशर आइसो बारिक हाँ ये प्रेशर है ये भी है इसको कहूंगा मैं आइसो बारिक का यस ये आइसोथर्मल का है आइसो थर्मल और एक है बच्चों एडोबैटिक का ऐसा है यस करेक्ट है ये आपको आता है क्या ग्राफ आता है बेटा ग्राफ आता है आपको ये ग्राफ आता है क्या ये ग्राफ आ रहा है क्या चलिए ठीक है अब मुझे बताओ आइसोबारिक को W2 बोला है ओके W3 किसके एडोबैटिक के लिए W3 है और वर्गन गैस आइसोथर्मल के लिए अब सबसे ज्यादा वैल्यूम किसका होगा ये W2 वैल्यूम सबसे ज्यादा W2 का है बाद में W1 से w1 बड़ा है w2 से बेटा मैं कहीं गलत कर तो का यार एक मिनट एक मिनट बाबा आइसोबारिक बराबर है आइसोबारिक है w3 अच्छा ये w3 है सॉरी बाबा सॉरी सॉरी w3 हां ऐसा है क्या w2 w1 w a ऑप्शन दिख रहा है मुझे a ऑप्शन देखो बेटा a ऑप्शन देखो यहां पे a ऑप्शंस मिल रहा है क्या सबसे एरिया अंडर द याचा असेल आइसोबारिक का रहेगा रहेगा ना बाद में इसका होगा देख सकते हैं अगर आपको सेपरेट निकालना है तो ये फटक से देखिए ये सबसे ज्यादा है ना सबसे ज्यादा ये है डब्ल्यू टू है ना यहाँ पे डब्ल्यू वन देखो डब्ल्यू वन का ऐसा है ये ऐसा डब्ल्यू वन है बेटा और डब्ल्यू थ्री का है ऐसा सबसे कम है इसका डब्ल्यू थ्री का ये भी बोल सकते हैं चलिए नेक्स्ट फटाफट करते बच्चों ज्यादा समय ना देते हुए मुझे ऑक्यूपाइड बाई द वैल्यू वी तो कैपिटल यम ऑक्सीजन बोला है तो थर्टी टू रहता है O2 का, ना मोलिकुलर वेट होता है ना बेटा तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी

पटक से एक गैस कंप्रेस कर रहा हूं आइसोथर्मली टेम्परेचर कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल मतलब कि डेल्टी जीरो डेल्टी मतलब टेम्परेचर जीरो नहीं चेंजिंग टेम्परेचर जीरो ओके कंप्रेस कर रहा हूं मैं आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या होगी आरएमएस बच्चों टेम्परेचर आइसोथर्मली बोला तो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगी ये बताना है बच्चों आपको पता है आर एम एस सी आर एम एस का M पता है रूट ऑफ थ्री आर टी बाई यम होता है ना तो ये बदल रहा नहीं है तो स्पीड कैसे ये टेम्परेचर जीरो नहीं है ना भावा ये चेंजिंग टेम्परेचर जीरो नहीं है बदल तो, मतलब बदलते मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट आसमान कॉन्स्टेंट है ये ठीक है बढ़ते आगे आइडियल गैस विच गामा 1.3 पॉइंट थ्री मंजे थ्री बाई टू ना करेक्ट है ना बाबा सडनली कॉम्प्लेक्स हो गया वन बाय टू इनिशियल वैल्यू सडनली वी टू इज इक्वल टू वी बाय फोर द रेशियो ऑफ द फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर पी टू बाय पी वन ये सवाल है बच्चों चार नंबर पे सवाल देख ला बहुत इजी मैंने एडबेटिक प्रोसेस से पहले ही बोल के रखा था है ना सडनली जब वर्ड आता है वो प्रोसेस सडनली अचानक होने सडनली जब वर्ड आता है बच्चों सडनली जब वर्ड आता है मैंने एडेबेटिकल का सबसे मेन और इंपॉर्टेंट फार्मूला बता के रखा था बच्चों आपको पी वन वी वन रेस्टू गा पी टू वी टू रेस्टू गा मुझे चाहिए क्या बच्चों पी टू ये पी वन इधर आएगा तो ये V1 रहेगा इधर ये V2 आएगा इधर यस yes, ग्यामा यस yes, बच्चों, ग्यामा की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है और मुझे निकालना है P2 टू बाई पी वन वी वन एज इट इज रखते हैं, ओके सर V2 की वैल्यू मेरे पास V1 वन डिवाइडेड बाय फोर है तो ये ऊपर जाएगा बेटा यस yes, रिस्टू ग्यामा है थ्री बाय टू ये ये V1 V1 कैंसल तो बचा क्या है बच्चों P2 टू बाई बी वन यहां पे फोर का थ्री बाई टू देखो बच्चों इसका स्क्वायर रूट का टू एट आना चाहिए एट एट इज वन यह कलता मित्रों इसका मतलब क्या है फोर थ्री बाय टू का मतलब होता है फोर ये वन बाय टू मल्टीप्लाई थ्री वन बाई टू मतलब स्क्वायर रूट फोर का रूट टू बाद में क्यूब एट हे कळालं पाहिजे मित्रांनो आहे सोपत ताईबाई अक्का विचार करा पक्का आणि समजला असेल तर पटकन मारा शिका सर तुम्ही रोटेशनल डायनामिकचा चॅप्टर घेतला मला एम आय हा पॉईंट अवघड आता सोपा वाटायला लागला थँक्यू बेटा आदित्य वेलकम बेटा वेलकम आयसो थर्मलमध्ये इंटरनल एनर्जी झिरो असते ती वाली लॉजिक पण लावू शकतो ना हा यस बेटा यस सात वाजता लेक्चर सात वाजता लावलेलं आहे सरांनी ठीक आहे करतो बेटा तुमचा सपोर्ट पाहिजे तुमचा सपोर्ट पाहिजे रे बाबा चल पटापट एकदा लाईक होऊन हो जाऊ द्या यार दोन हजार लाइकचं टार्गेट दिलेलं आहे तुम्हाला बघू द्या किती मारले आता लाईक दोन हजार टार्गेट दिलेलं आहे किती आहेत माझ्या पोरांनी टार्गेट मारलं बघू द्या वा wow, अठराशे झाल्या याचा अर्थ था दोन हजार व्हायला काही वेळ लागणार नाही चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग पी व्ही डायग्राम इज करेक्ट फॉर द आयसो बारीक प्रोसेस आयसो मतलब सेम बारीक म्हणजे प्रेशर प्रेशर मतलब आपका जो प्रेशर कॉन्स्टंट आता प्रेशरचा इथे आहे वी है प्रेशर कांस्टेंट कॉन्स्टंट ग्राफ पाइजे होता का यार फुकट का प्रश्न हे, हे उत्तर है हे, हे। दोन नंबर बी ऑप्शन है बेटा बी बी डायरेक्ट पुस्तक प्रश्न उचल टाकला भा मैं बोलता हूं ना टेक्स्ट पढ़ना चाहिए टेक्स्ट पढ़ना चाहिए आप समझ पा रहे हो टेक्स्ट क्यों पढ़ना चाहिए बच्चों चलिए बढ़ते आगे बढ़ते आगे बच्चों हाँ जी अब मोनोऑटोमिक एटॉमिक गैस सडनली कंप्रेस कर दिया मैंने मोनोऑटोमिक एटॉमिक गैस था सडनली कंप्रेस कर दिया ठीक है सडनली सडनली वर्ड आला की अॅडॅबॅटिक प्रोसेस है भले ही ये, ये और यो नो यो मऊ ये आला ठीक है पण सडनली जरी शब्द आला असता अन व्हॅल्यू अचानक बदलला हा शब्द आला अरे आला की काही स्थान घ्यायचा नाही बाबा काही स्थान घ्यायचा नाही गैस सडनलीम्प्रेस बोला सडनली कॉम्प्रेस है ना तो ये वी टू वी वन को फाइनल प्रेशर वही अभी का पी टू बाय पी वन ये और दी वाला है फाइव बाय थ्री आता हे महित बहुत पी टू बाय पी वन है तो वैल्यू मीन वी वन बाय वी टू रेट टू गैमा आता ना जहां जहां एडमेटिकल प्रोसेस रहेगा और प्रेशर और वैल्यूम का रिलेशन आया आंखें बंद करना है मेरे भाई क्या करना है यह आंखें को बंद करना है और डायरेक्टली फटाफट लगाना है बच्चों डायरेक्टली लगाना पड़ता है यस शर्ण मेरे बच्चे बहुत ही सच्चे तरीके से कर रहे होंगे P2 टू बाई पी वन वी वन ओके वी टू के बलिए वी वन बाई का डिवाइड नोमेटर जाता है नक्षत्र हो डिवाइड का डिवाइड इन और गामा की वैल्यू है फाइव बाई थ्री ये ये मरेगा ये 8 रेस टू फाइव 3 ये 1 बाई थ्री होता है क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट होगा 2 रेस टू फाइव कितनी लोग करना कड़ा बाबा ये ये 8 इसका मतलब है 1 बाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव वन बाई थ्री मतलब क्यूब रूट जैसे वन बाई टू रूट ये क्यूब रूट बन रहा है आर इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको पी टू वन ओरली आंसर है बाबा थोड़ी सी प्रैक्टिस जो जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे हर बच्चा फिर वो गांव का बच्चा हो या शहर का बच्चा हो मेरे बच्चे अच्छी तरह से समझ लो सच्चे चलिए आगे बढ़ते बच्चों अरे 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 का है? दोन हजार बाईस मतला क्वेश्चन उचाल बात तो दोन हजार बाईस मतला हा प्रश्न विचार है

बाद में सी सी पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा है वॉल्यूम चेंज नहीं है वर्क डन नहीं है बेटा ठीक है पहले ए से बी सी हो रहा है यहां से ये हो रहा है हीट वो q है q q नाम की हीट दी दी 68 जूल बेटा दिख रही है हीट इज गिवन ये सॉरी हीट इज गिवन मतलब दे रहा हूं q है और वर्क डन जो कर रहा हूं ना वो है मेरे पास 30 जूल

थर्टी एट हो रहा है थर्टी एट जूल मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी थर्टी एट जूल हो रही है बेटा इसी के ऊपर बोर्ड में भी सवाल आया था आपको याद है एच एस बोर्ड में ऐसा ही एक सवाल आया था थोड़ा सा बच्चे को लग रहा था ना किलो जूल जूल का मेल था बच्चे बोल रहे थे रॉन्ग सवाल है रॉन्ग नहीं था वो सवाल हाँ जी बच्चा बढ़ना है आगे। दो बाईस के सवाल ये देखो प्रोसेस इन द नो वर्क इज डन ऑन और, और बाय द गैस मतलब ना पिस्टन्स को दबा रहा हूं ना पिस्टन्स ऊपर जा रहा है कुछ नहीं हो रहा है मतलब वर्क डन जीरो कम हो सकता है बच्चों जब मेरा वैल्यूम चेंज ना हो मतलब डन इज इक्वल टू पी इंटू वर्क डन पी इंटू जीरो तो डन जीरो तो मतलब वैल्यूम चेंज ना होना या वैल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन जीरो इसी को कहते हैं आइसो कोरिक आइसो कोरिक प्रोसेस कोर मतलब वैल्यूम आइसो 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 कोरिक होना चाहिए था डी ऑप्शन आना चाहिए था बच्चों डी आइसोकोरिक प्रोसेस होगा बेटा समझे क्या समझे मेरे बच्चे चलिए क्या आपने टू के लाइक कंप्लीट किए कि नहीं बच्चों देखता हूं मैं आज का मिशन है आज का मिशन है आज का मिशन से 1.9 हो गए बच्चों अरे उसमें भी बहुत ज्यादा होंगे दो हजार हो जाएंगे तुरंत चलिए हाँ जी दो हजार बाईस का सवाल देखो ग्राफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द प्रेशर मतलब देखो एक ग्राफ होता है वैल्यू में ये प्रेशर यस और इसको पैरल ऐसा स्ट्रेट लाइन है बच्चों स्ट्रेट लाइन बच्चो। ये प्रेशर को एक्सिस पीवी डायग्राम द वर्क डन बेटा वर्क डन कैसे होगा वैल्यूम चेंज हो रहा है क्या देखो दिनेश कहता है कि फिजिक्स समझ में आएगा बेटा सब आएगा सब समझ में आएगा टेंशन मत ले तू लाइक मार दे बस बच्चों इसमें वैल्यूम कब वैल्यूम चेंज होना मतलब ये इधर वैल्यूम चेंज होना चाहिए इनिशियल और ये फाइनल ऐसा 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 वैल्यूम इधर इधर चेंज होगा ना इधर नहीं हो रहा है। मतलब इसमें प्रेशर ही चेंज हो रहा है प्रेशर ही चेंज हो रहा है वैल्यूम चेंज नहीं है वी इज इक्वल टू जीरो है बेटा। इसका मतलब यहां पे वर्क वर्डन जीरो मिलेगा जीरो क्योंकि वर्डन पी वी। तो वर्क पी ये जीरो तो ये जीरो होगा बेटा समझे समझा बेटा समझा समझा क्या चलिए आगे बढ़ते हैं ऑक्सीलेशन की तरफ बढ़ रहे बच्चों, ऑक्सीलेशन में हम लोगों को एक स्प्रिंग लेनी है ओके सर इसको मैं खींच रहा हूं ऐसे 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 करके इधर खींच रहा हूं अगर ये कॉम्प्रेस हो जाती है ठीक है समझ में आ रहा है बच्चों? मैंने स्प्रिंग को खींचा था तब एक फोर्स इधर लग रहा था इसको रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं इसको दबा दो तो ये स्प्रिंग बोलेगी मेरे को इधर जाना है इस फोर्स को फोर्स फोर्स रेस्टोरिंग बोलते हैं बच्चों एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट वो डायरेक्शन अपोजिट है बच्चों मेरा बड़ा डिस्प्लेसमेंट इस साइड में हो रहा है लेकिन फोर्स इस साइड में आप क्या करना आपकी चमड़ी ले लो चमड़ी ऐसे खिंचो 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 खिंचा खिंचो खिंचो ऐसी देखो फोर्स क्या लग रहा है आप डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कर रही है मेरा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है बच्चों मेरा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है लेकिन ये इधर आ रहा है देखो इधर और मेरा फोर्स इधर लग रहा है मेरा डिसप्लेसमेंट आपके तरफ है फोर्स इधर है इसको रेस्टोरी तो यू माइनस केक्स कहते हैं बच्चो समझे समझ में आ रहा है बच्चों कोई टेंशन नहीं होना चाहिए बात सबको पता होना चाहिए ओके समझ में आ रहा है मेरे बच्चे को समझ में आ रहा है बच्चों चलिए इसी से बच्चों में यम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिख सकता हूं समझे अगर मैं अगर 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 मैं बच्चों यम बाय के लिखू और ये यक्स बाय

सेम डायमेंशन देखो न्यूटन के डायमेंशन होते यम वन यल वन टी माइनस टू मीटर है तो यल वन होगा बेटा तो यल वन यल वन कैंसल होगा तो यम वन यल जीरो टी माइनस टू बच्चों सेम हम लोगों ने फोर्स पर यूनिट लेंथ सर पे टेंशन के होते इसी के सेम डायमेंशन सेम किसके होंगे सेम डायमेंशन होंगे सरपेस टेंशन के बेटा

डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन ये कौन सा बच्चों एस एच एम के लिए एंगुलर एस एच एम का अलग फार्मूला आने वाला है अलग आने वाला है यस yes, मेरे बच्चे देखो हम लोग जल्दी ही खत्म कर रहे ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को लेक्चर बढ़ो चलिए बताओ जल्दी से क्या होगा बच्चों ये बताओ चलिए जी तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इसी से एक्सरलेशन निकाला है बेटा है हमने माइनस ओमेगा स्क्वेर एक्स अब ध्यान देना है ध्यान देना है बेटा एक्सेलरेशन ये लीनियर एस एच एम इसलिए स्ट्रेट लाइन मोशन है यहां पे एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है यहां पे इधर एम्प्लीट्यूड होगा मैक्सिमम और यहां पे मिनिमम होता है बच्चों एक्स की वैल्यू जीरो रखो एक्सेलरेशन आपको मिलेगा जीरो मतलब मिनिमम हो गया बेटा सबसे कम यहां ए रखो बोला तो एक्सेलरेशन यहां पे मुझे मैक्स मिल रहा है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ठीक है यहां माइनस रखो माइनस माइनस प्लस होगा तो यहां पे भी मैक्स मिलेगा वो हो रहा है मेरा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर समझे बेटो ये कंडीशन एक्स इज इक्वल टू जीरो से क्या मिलेगा ओके okay, उसके बाद में वेलोसिटी देखो प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्र माइनस लीनियर एस एच एम जब कोई पार्टिकल कर रहा है ऐसे स्प्रिंग जैसे तब बच्चों इसकी वी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वेर माइनस यक्स स्क्वे मिलता है समझे बेटा ये समझ में आ रहा है ओके okay. एक बात ध्यान रखनी जैसे अगर यहां निकाले जाए तो यक्स जीरो रखो तो वी मैक्स मिलता है देखो यहां पे ए ओमेगा होगा सर आपको कैसे पता एक्स जीरो ए एक का स्क्वेयर रूट के बाहर आएगा ए ओमेगा बनेगा मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पे होती है क्या बोल रहे हो बच्चो मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पे होती है बच्चों कहा होती है मीन पोजीशन पे समझे यहां पे मिनिमम होती है वो होती है जीरो सर कसा 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 लक्ष्यदार ताईबाई अक्का विचार करा पक्का आने लवकरात लवकर याच प्रश्नावर मारा शिक्का चलो कैसे बच्चों सिंपल सी बात है ए की वैल्यू डालो यक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस ए जीरो होगा यहां पे भी ए भले स्क्वायर प्लस नंबर हो या माइनस हो बच्चों आपको आंसर स्क्वायर में प्लस ही मिलता है इसलिए जीरो यहां पे भी वी मिनिमम मिलेगी जीरो बेटा डिस्प्लेसमेंट मिलता है यक्स इज साइन है ना ओमेगा टी प्लस फाइव बोलो अल्फा बोलो आपको जो दिया है वो बोल सकते बट जो मिनिमम यहाँ पे जो मिलेगा डिस्प्लेसमेंट वो मिलता है ए साइन ओमेगा टी बेटा और यहाँ फाइव की वैल्यू नाइनटी डालो नाइनटी नाइन्टी डाली तो यस इज इक्वल टू ए क्रॉस ओमेगा टी मिलता है तुम्हारा माह भावान्व साइन थीटा प्लस नाइनटी ये होता है कॉस थीटा होता है बेटा कॉस थीटा होता है कॉस थीटा होता है कॉस थीटा होता है गलत असल भावा तो एकदा ऑनेस्टली सग संगाइए सग संगाइए बेटा कि खरच एट एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम बोलो तुम्हारा जर कला तो ई बाई अक्का विचार करा पक्का पटकन मारा हिचा शिक्का चला कि मुल कि हाँ सर या गोष्टी कहता है मनु ठीक है चला नेक्स्ट फ्रिक्वेन्सी का रेसिपोकल ऑफ पीरियड यह एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला समय पीरियड का फार्मूला हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था ये इज गोल्ड टॉइस पाई बायोमेगा पहला रोटेशन डायनामिक्स में पढ़ा था बच्चों अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी जब कोई पार्टिकल लीनियर एस एच एम कर रहा है क्या कर रहा है बच्चों, लीनियर एस एच एम कर रहा है पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ऐसे ऐसे इसको कहते हैं बच्चों मीन पोजिशन एक्स इज इक्वल टू ए इसको कहते हैं बच्चों पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन यक्स इज इक्वल टू माइनस ए ये कहते हैं निगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन ओके समस्त भा समस्त कहीं टेंशन है बाबा ओके तो हम लोगों ने सबसे पहले कानेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकाली वो मिली है बेटा वन बाय टू के यक्स स्क्वेयर के इज द कांस्टेंट बेटा या वन बाय टू यम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर क्यों देखो यार ओमेगा स्क्वेयर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के जगह पे के बाय यम जगह पे इस्तेमाल किया था अब सोचो अगर मैं यहां पे

एक्सट्रीम पे कितनी यहां पे पे नेगेटिव एक्सट्रीम कितनी ये डालनी है मुझे सही बच्चा हर बच्चा बच्चा जानता है कि इसका जवाब क्या होगा टू जीरो करो सर देखो पोटेंशियल एनर्जी यहां जीरो होगी यस yes, मेरे बच्चा समझना अगर यहां पे पर रखा तो पोटेंशियल एनर्जी मुझे मिलेगी वन बाय टू के मैंने के के फॉर्म में शॉर्टकट वाला नहीं लिखना छोटा लिखना इसलिए यहां पे भी बच्चों टू माइनस ये करो बेटा स्क्वेर है स्क्वेर माइनस का प्लस प्लस का माइनस होता है तो क्या होता है पता होना चाहिए तो माइनस का भी प्लस होता है तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे भी मैक्सिमम होगी समझे कानेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा वन बाय टू के ए स्क्वेयर अगर यक्स की वैल्यू जीरो रखो तो मुझे यहां पे 1 बाय टू के ए स्क्वायर ये कहा मिल रहा है बच्चों एमपी मध्य प्रदेश नहीं बाबा एमपी का अर्थ क्या है रे बाबा समझ लगा बाबा बाबा ने समझते कर बाबा तो रिजल्ट एंड एम्पलीट से संग सग संग तान नको घे ताई बाई अक्का विचार करा पक्का पटकन फॉर्मुले और मारा शिक्का ये समझ लगा संग बाबू अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे मतलब यक्स इज इक्वल टू ए करोगे काइनेटिक एनर्जी ईपी यक्स इज इक्वल टू ए करो थी देखो क्या होगा वन बाय टू के ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए में से ए गया ए में से ए गया जीरो थी तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन जीरो ठीक है नमस्कार अब दोनों की ऐड किया तो टोटल एनर्जी बच्चों वन मिल टू के समझता कंजर्वेशन होता है कभी कॉनेटिक एनर्जी कभी पोटेंशियल कभी पोटेंशियल टू कनेटिकनेटिक टू पोटेंशियल कभी कुछ पोटेंशियल कुछ कॉनेटिक सम करो तो मिलेगा वन बाय टू के स्क्वेयर तभी मिलेगा वन बाय टू के बच्चों कल तो सला समर जाऊ कुछ बच्चे बोल रहे थे रिजल्ट इक्वेशन नहीं समझ में आ रहा है बच्चों कोई टेंशन मत लेना ये थोड़ा सा आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा होगा ये रूट में है बच्चों ये पूरा कि पूरा बताता हूं चलो समझो एक वेवज है बच्चों एक पार्टिकल है एक इधर से आ गया ऐसी टकरा गई एक इधर से आ आगे बच्चों ये टकरा गए तो ये पार्टिकल किसकी सुनेगा ऊपर वाली इसका एम्पलीट्यूड ए वन है बच्चों और इसका ए टू है इसका डिस्प्लेसमेंट वाई वन है इसका वाई टू है किसकी सुनेगा ये पार्टिकल बोलेगा भैया मैं किसकी सुनू तेरी सुनू क्या तेरी सुनू बोल भाई बोल बोल भिड़ू वो बोलेगा भिड़ू बोल तेरी सुनना है क्या तेरी सुनना है किसकी सुनू मैं तो मैंने बोला भैया तू तो एक काम कर हम लोग दोनों की भी सुनेंगे टू के कंप्लीट हो गए देखता हूं भाई हमारे बच्चे ने टारगेट दिया था बच्चे को तो बच्चे बहुत ही सच्चे होते हैं वही टारगेट कंप्लीट करके देते हैं देखते हैं भैया बच्चे बोल रहे कि सर आपने जो टारगेट दिया था वो आपने कर दिया सर देखता हूँ भाई थैंक यू थैंक यू यार थैंक यू थैंक यू सभी बच्चे यार थैंक यू बहुत बढ़िया टू के कंप्लीट करके दिया लाइक किसी का थ्री सर एडमिट कार्ड कभी न मेरा लक्ष्य ठीक नहीं मतलब और एडमिट कार्ड का देखते बेटा अभी मैं लाइव है इसलिए मुझे अपडेट पता नहीं है कुछ भी देखना पड़ेगा तो इसीलिए बेटा इसका रिजल्ट मतलब ये ऊपर जाएगा क्या क्या नीचे आएगा क्या इधर जाएगा 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 क्या इधर जाएगा, जाएगा, जाएगा। इसलिए बोले काम करते बच्चों सिंपल सी रिजल्ट एम्पलीट्यूड निकालते हैं और इसके लिए फार्मूला बनाया गया किसकी सुनेगा मतलब किस तरफ जाएगा वो भी तो ए स्क्वायर इसका एम्पलीट्यूड प्लस इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर टॉइस पहला एम्पलीट्यूड दूसरा एम्पलीट्यूड और कॉस फाइव ऐसे लिखते हैं ठीक है थीके? या फाइव टू माइनस फाइव वन भी लिख सकते हैं इसका फेस क्या इसका फेस क्या फेस का डिफरेंस क्या है बच्चों ये रिजल्ट एम्पलीट्यूड मिलेगा कड़ा को विचार लो तो अक्का विचार करा पक्का है ना ठीक है सर आता खूब इजी वाटत है वेरी गुड बेटा हर्षल बहुत इज़ी जाने वाला टेंशन मत लेना इसके बाद में जो डेल है बच्चों ये टैन इनवर्स करते हैं ठीक है, है? टैन इनवर्स बच्चों इसका फेस कितना होगा डेल कितना फेस चेंज कितना होगा तो ये होने वाला है ए वन साइन फाइव वन ए टू साइन फाइव टू डिवाइडेड बाय ए वन कॉस फाइव वन ए टू कॉस फाइव ये बच्चों डेल यही है डेल मेरा यस yes, यही मतलब रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड और फेस कितना चेंज होगा वो निकाला मैंने यहां पे ठीक है टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम होता है बेटा ठीक है जब सिंपल पेंडुलम हो अब कोनिकल पेंडुलम में फर्क क्या और सिंपल पेंडुलम में फर्क मैं आपको बता देता हूं बच्चों देखो।, देखो देखो ये ये है मेरा कोनिकल पेंडुलम ये क्या बेटा कोनिकल पेंडुलम है एंगल बना रहा है थीटा कौन बना रहा है कौन कौन समझते ना कौन मतलब वो नहीं मराठी में कौन मंत्र कौन ये नहीं बेटा तो देखो यहाँ पे है बेटा ये यच है ये यल है ये होता है वेट एम ये होगा मेरा टेंशन ये टेंशन होता है अवे ये टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा बच्चों ये है मेरा कोनिकल पेंडुलम ये कौन है बेटा कोनिकल पेंडुलम ये फर्क होगा और दूसरा जो है सिंपल पेंडुलम में वही कंडीशन रस्सी भी लेनी है वही बस ध्यान रखना बच्चों ये बॉब खाली ऊपर जाएगा इसे ये हॉरीजेंटल सर्कल है बच्चों ये ये कौन सा है हॉरीजेंटल सर्कल है और ये जो है बच्चों ये जो है ये, हे हे ये, ये, ये है वेट है बेटा यम जी है बेटा है ना था ये होगा यहाँ पे यम जी थीटा और ये है यम जी साइन थीटा ठीक है ये है वर्टिकल सर्कल बेटा वर्टिकल सर्कल है वर्टिकल सर्कल, सर्कल है समझते का बहु तो तो होगा क्या इसके लिए फार्मूला था t इज इक्वल टू टॉइस पायर रूट ऑफ यल कॉसिटा जी यस और इसके लिए जो सिंपल पेंडुलम के लिए फार्मूला है मेरे पास सिंपल पेंडुलम के लिए फार्मूला है बेटा यहां पे T इज इक्वल टू टॉइस पायर रूट ऑफ यल बाई जी ये फार्मूला बेटा ध्यान रखना बस अगर फ्रीक्वेंसी बोले तो उल्टा करेंगे वन बाय ट्वाइस पर रूट ऑफ जी बाई एल बस फ्रीक्वेंसी बोला तो उल्टा फ्रीक्वेंसी बोला तो उल्टा होगा यस ये फ्रीक्वेंसी बच्चों ये पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल में फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल है, ठीक है ओके बच्चों, हम लोग इसके भी करने वाले है भाई तो तो करना ही पड़ेगा चलिए जी बस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलरेशन मतलब मैंने क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड रखी उसमें मैग्नेट रखा तो ऐसा ऐसा करेगा तो बेटा इसका जो या सॉरी सॉरी मेरे भाई मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या हाँ जी आ, तो इसमें देखते बच्चों हमने क्या किया एक रिजिट सपोर्ट ले लिया और एक ऐसा क्या बोलते इसको क्या बोलते भाई है ना उसको गोल घुमाए तो टॉर्क लगता है बच्चों टॉर्क है ना ऐसा गोल प्लेट को गोल घुमाए टॉर्क लगेगा और इसके कारण इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना प्लस ओमेगा स्क्वेयर बच्चों की जगह पे अगर इधर लाया ना तो इधर आ जाएगा ओके चलिए बढ़ते बच्चों आगे क्वेश्चंस करना है चलो कितने बच्चे क्वेश्चंस करके देंगे अभी देखते चलो ग्रैंड मॉक टेस्ट का कुछ करो ना प्लीज ग्रैंड टेस्ट हो गई ना बेटा चालू हो गई ना हां आदित्य ग्रैंड मॉक टेस्ट चालू है ना अपनी पुडीला आदित्य पुडीला आदित्य पुडे टेस्ट घेतली नाही का विचार मॉक टेस्ट दी ना बेटा चलिए बढ़ते आगे चलिए टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑक्सीलेशन इज प्रोपोर्शनल टोटल एनर्जी बोला है ठीक है तेज दिल्ली ना दोनों भी आजा बोले इधर देखो भाई तेज संजू भाई बनाते हैं सॉल्यूशन देते हैं अटेड बनाते हो आप हाँ। एक बार बोलो बच्चों को बच्चों को क्या है कि देखते नहीं मेरे ख्याल से हाँ नहीं ऐप में है टेस्ट अवेलेबल हाँ ऐप में है ना यार ठीक है आप देखो बाद में बोलो होता क्या मालूम है क्या बच्चे शायद कुछ देखते नहीं है तो टेस्ट दे सकते हो जिनको जिनको देना है और ये सब मटेरियल आपको मिलेगा पीजीएमएन ऐप पे बच्चों पीजीएमएन ऐप पे पीजीएमएन ऐप पे जाओ ये पूरा मटेरियल आपको आज के आज ही मिलेगा कहा एक लव्य का एक फोल्डर है एक लव्य का कोर्स है एक लव्य फ्री में मिलता है आपको लगेगा एक रुपया वो भी नहीं करना है क्लिक कंटेंट में जाना है आपको मिल जाएगा चलिए देखते हैं बच्चे कितने टोटल एनर्जी का फार्मूला अभी अभी हमने बोला है वन बाई टू के ए स्कूर बच्चों टोटल एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्कोयर ऑफ एम्प्लीटूड स्क्वेयर ऑफ एम्प्लीटूड ए ऑप्शन द रेशो ऑफ कॉनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग ऑफ ए बाई थ्री ऐसे ही बोल रहा है ओके okay? और बाद में रेशियो निकालेंगे सबसे पहले कॉनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है माइनस बोलो बेटा क्या होगा वन बाई टू के

लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे सर कहाँ से लाया इसलिए बोल रहा हूँ मुझे ये सब पता था कि 1 बाय टू अब ये की वैल्यू पता है ए स्क्वेयर बाय नाइन हो गया अब दोनों का रेशो कानेटिक एनर्जी टू मतलब डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी कानेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी कानेटिक एनर्जी कहा ले रहे भावड़े वन बाय के वन बाय के एट ए है डिवाइडेड बाय ये करा 1 बाय टू के ए स्क्वेयर बाय 9 है कोना लाइन आर नहीं है हाँ छोटे बच्चे हो क्या 1 बाय टू वन बाय टू के से के कैंसिल ए से ए कैंसिल नौ नाइन एट आ रहा बेटा डिवाइड बाय 1 है एट इज टू वन सी ऑप्शन आना चाहिए था यस आता को लाइन आर सिंपल क्वेश्चन है प्रैक्टिस की गरज है फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करूंगा यस, ओके, सिंपल सिंपल है नेक्स्ट बच्चो, है बच्चों, देखते हैं किसमें है कितना दम इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन इज यन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम लेंथ जो है बच्चों फोर टाइम्स है यल टू इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ यल वन अतः तुम्हारा सिंपल पेंडुलम जैसा पीरियड का फॉर्मूला पता है रूट ऑफ बाई जी कोई टेंशन है बेटा ये फार्मूला पता है इसको मुझे निकालना। को यन बोला है उन्होंने तो यू क्या होगा देखो यन वन को यन बोला है ये पे दिया है बेटा मैं खुद नहीं बोल रहा हूं देते हैं इसलिए करते हैं चलो तो यन टू बाई यन वन इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए यल वन बाई एल टू अगर तुम्हारा प्रश्न पढ़ तो ना यल टू बाई एल वन नहीं इनवर्स है बेटा इसलिए यल वन बाई एल टू तो चलो यार कर देते हैं कुछ मुझे करना क्या बेटा यल के साथ रिलेशन निकालना था और यल टू का रिलेशन जो है फोर टाइम्स बोला है ना फोर टाइम्स बोला है क्या करे करे तो क्या करे चलिए कर लिया ये ऑप्शन बता रहे हैं ठीक है देखता हूं मैं चलो बच्चों यल वन यल टू की वैल्यू बच्चों फोर यल वन है ओके सर यल वन यल वन कैंसल वन बाय टू मिलेगा बेटा वन बाय फोर वन बाय टू समझे ना ये रूट के बाहर आ गया तो यन टू यन वन यन वन को यन बोलना है ये टू एज इट इज है बेटा बच्चों ने जो बोला था वही करके दिया है सबकी मांग पूरी की जा रही है यस टॉपर बैच में पीसीएम की टेस्ट कब आएगी प्लीज दिया है ना बेटा अभी तो बोला आदित्य भाई टॉपर बैच में नहीं होती है आपके लिए टॉपर बैच जो है ना बच्चों उनके लिए वो टेस्ट टेस्ट के फोल्डर में मिलती है जाके देखो एक बार तो भी मैं आदित्य भाई से डिस्कस करता हूं आप बोल रहे हो मतलब कुछ होगा चलिए नेक्स्ट फटाफट करो बच्चों जितना जल्दी करोगे उतना हमारा टाइम बचेगा चलिए अब ब्लॉक ऑफ मास दिया है बेटा 16 के जी वेलासिडी बेटा 4 मीटर पर सेकंड। फ्रिक्शनल लेस सरफेस कॉम्प्रेस इन आइडियल स्प्रिंग कम टू द रेस्ट

पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ना कंजर्वेशन काइनेटिक टू पोटेंशियल दबाओ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी छोड़ दो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हो रहा क्या है यहां पे 1 बाय टू के एक्स स्प्रिंग की एनर्जी पोटेंशियल एक काइनेटिक में कन्वर्जन हो रहा है अच्छा सर हाफ हाफ कैंसिल करें हाँ सर के की वैल्यू है सर हाँ सो है मुझे यक्स निकालना है सर हाउ मच विल बी

मतलब 1.6 मीटर होता समझला ना बा समझल ओके सिंपल सिंपल सवाल है यार कुछ नहीं अरे रे, रे, रे. का प्रश्न देला बाबा कुठन आला रहा प्रश्न दादा कुठन आला है। रेशो है काइनेटिक एनर्जी हाँ टू टू मतलब डिवाइडेड टोटल एनर्जी हाँ टोटल एनर्जी इनका रेशियो है बच्चों फाइव बाई नाइन डिस्प्लेसमेंट टर्म इन एम्पलीट्यूड यक्स बोलना है बेटा और एम्पलीट्यूड को ए बोलेंगे कोई टेंशन नहीं ए के फॉर्म में कैनेटिक एनर्जी संग बाबा 1 बाई टू के ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर ए स्मॉल ए क्या स्मॉल ए आस मन नहीं भाव मज नहीं मन बर हाँ टोटल एनर्जी वन बाय के ए स्क्वेर ठीक है 1 by 2, 1 by 2 के के कैंसल ये फाइव बाई नाइनजे ए स्क्वे माइनस बाय ए स्क्र फाइव बाई नाइन ठीक है नाइन यक्स स्क्वे फाइव ए स्क्वेर बेटा ठीक है तो मुझे क्या लग रहा है नाइन ए स्क्वेर ये माइनस कर देते ही इधर लाके ये नाइन यक्स स्क् समझते बाबा याला इकड़े याला इकड़े घर बाकी कैसने? का स्क्वेर नाइन यक्स स्क् मैं येर पाहिजे ना यक्स पाहिजे तो यक्स स्क्र ये फोर ए स्क्वेर नाइन यक्स स्क्वेर गया तो इसका रूट टू तो इसका ए नाइन का थ्री मतलब टू बाई थ्री ए बाई थ्री ऑप्शन से बेटा सिंपल क्वेश्चन से बी बी ऑप्शन से यस बेटा चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ ये करके दिखाओ भाई बहुत सिंपल इजी सवाल है बस प्रैक्टिस की जरूरत है बाकी कुछ नहीं बच्चों दो हजार इक्कीस का सवाल है पार्टिकल परफॉर्मिंग कर रहा है एस एच एम कर रहा है About the mean a है बेटा एंड टोटल एनर्जी पार्टिकल उनका कहना है टोटल एनर्जी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट कानेटिक एनर्जी दी वाली है टोटल एनर्जी बटो बाय फोर डिसमेंट क्या होगा कानिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो के ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्स थ्री बाय फोर टोटल एनर्जी का फार्मूला के ए स्क्वेयर कोई टेंशन है भाई फार्मूला कानाटिक एनर्जी का ये टोटल एनर्जी का फार्मूला है चलिए मैं यहाँ पे गायब करूंगा कुछ लोगों को वन बाय टू के वन बाय टू के कैंसल ओके सर बचा क्या है बच्चो ए स्क्वेयर माइनस एक्स ये थ्री बाय फोर ए स्क्वेयर है ओके ये इधर लाता हूं ए के सब ए लाता हूं एक जगह पे और ये स्क्वेयर रखता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फोर ए स्क्वेयर माइनस थ्री ए स्क्त बायर ये बेटा तो ये चार में से एक गया तो ए स्क्वेयर बाय फोर बेटा तो इसका स्क्वायर गया तो ए होगा और फोर का रूट होता है a/2 होना चाहिए a/2 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 c ऑप्शन इज करेक्ट बेटा c ऑप्शंस को हम लोग टिक मार विनाशा कर सकते हैं चलिए बढ़ते आगे स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के बोलते हैं क्या हम लोग इसको 400 नैनो न्यूटन पर मीटर लोडेड विद द मास बच्चों इस मास को है ना मुझे ऐसा लिखना बहुत पसंद है ये मेरी पसंद है बच्चों ये मेरा पसंदता है बाय फोर लिखता हूं मैं चलेगा ना समझ में आ रहा है यह लिखना मुझे आसान लगता है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन ए बोल रहा है ना चार सेंटीमीटर तो ये फोर इंटू टेन टू माइनस टू मीटर करता हूं वेन मास कम टू द इक्विलिब्रियम पोजिशन वेलासिटी कितनी होगी यह है

समझे बेटा वन करता हूं मैं ये ऊपर गया तो ये होगा बेटा चार सौ मल्टीप्लाई चार सोलह सो, मतलब चालीस का ना चालीस होगा बेटा चालीस रूट आता है ना बच्चों इसका बीस था इसका दो था चालीस आ रहा है चालीस चलिए ये क्या बेटा हमारे पास फोर इंटू टेन टू माइनस टू और ये चालीस है एक सौ साठ टेन रेस टू माइनस टू दो से शिफ्ट करो वन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकंड यस वन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकंड ये मैक्सिमम स्पीड मिल रही बच्चों को ठीक है ये मैक्स मैक्स चलिए आगे बढ़ते हैं दो हजार बाईस के अरे क्या सवाल है यार दो हजार बाईस का क्वेश्चन है बच्चों मजा आ रहा है कि नहीं बताना पड़ेगा आपको एक बार क्वेश्चंस लग रहे आपको कि इजी सवाल है और कितना ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती है बस बच्चों एक बात बोलता हूँ लास्ट के टाइम पे हमने भी ऐसा ही सेशंस लिया था उसका इतना बड़ा फायदा हुआ हर बच्चे को कि आप सोच भी नहीं सकते बच्चों हाँ जी सोच भी नहीं सकते इसका बहुत बड़ा कोई भी बच्चे देखो इतना मतलब आप सोचोगे नहीं इतना बड़ा फायदा हुआ था बच्चों ठीक है थी? फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम दिया बेटा डी स्क्वेटी स्क्वेर प्लस अल्फा यक्स इज इक्वल टू जीरो आता तुम्हारा न भाईस तो डिफरेंशियल इक्वेशन कावल टू जीरो तो ओमेगा तो स्क्वेर के पे अल्फा ओमेगा इज इक्वल टू तो रूट ऑफ अल्फा पीरियड का फार्मूला बोल रहा है टॉय पाए बाय ओमेगा रूट ऑफ अल्फाइर एक कर गरज नहीं है भाव ओरली अगर आप लोग करोगे ना तो ओरली जवाब दे सकते हैं बच्चा हमारे सच्चे तरीके से बोल रहा हो भैया हर बच्चा आंसर दे सकता है हर बच्चा आंसर दे सकता है बच्चों चलिए हर बच्चा आंसर दे सकता है इतना इजी सवाल होते कभी कभी चलिए 2022 के सवाल उठाने थे मुझे उठा रहा हूं भैया से नहीं ला रहा हूं यहाँ पे तो सिंपल सी बात है बच्चों यह इक्वेशन सादा है जिसको y1 is equal to a sin ओमेगा t बोल सकता था तो y1 का एम्पलीट्यूड 10 मीटर है मीटर में बोलना है क्या बेटा जो भी होगा सेंटीमीटर कोई लेना देना नहीं एक ही यूनिट ले लो तो पहला लेकिन दूसरे में क्या पर रखे बच्चों y2 जो है वो ये वाला 10 sin ओमेगा t 5 cos ओमेगा t बच्चों जब जब sin और cos आ जाए उनका फेस डिफरेंट जीरो होता है डायरेक्ट एम्पलीट्यूड की ऐड करना है बच्चों डायरेक्ट क्या करना है ऐसे समय पे ए वन स्क्वेर ए टू स्क्वेर एक्चुअल मे हा फार्मूला कैसा है रिजल्टेंट का सा, सांगा बर ऐसा ऐसा है ना भाऊ फार्मूला ए वन स्क्वेर ए टू स्क्वेर टॉइस ए वन ए टू कॉस है ना यहाँ पे फाइव टू ऐसा है कहीं आया ऐसा आशा फॉर्मूला है ना वो हा फॉर्मूला है कि नहीं आशा बट यहां पे इसको जीरो लिया जाता है क्यों क्योंकि फेज डिफरेंस ये साइन है कॉस दोनों में जो फेस डिफरेंस है ना बेटा 90 का है और कॉस नाइनटी जीरो तो ये पूरा जीरो होगा यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग ये बात समझ में आनी चाहिए थी तो ये दस का स्क्वायर होगा बच्चों ये का ये ए है समझे ए है, ऐसा लिख सकता हूँ साइन ओमेगा, टी, ए टू, ओमेगा टी, ऐसा भी लिख सकता हूं इसको ठीक है दस का स्क्वायर होता है बेटा और ए टू जो है पाँच पाँच का पच्चीस तो मुझे लगता है कि एक सौ पच्चीस बच्चों आंसर मुझे बताना है आपको क्या आ रहा है क्या आ रहा है बेटा ए इज करेक्ट बोल रहे है? ओके देखता हूं मैं क्या आ रहा है तो वाई टू इज इक्वल टू बेटा देख इसको लिखूंगा पच्चीस गुना पांच तो ये पांच रूट ऑफ फाइव समझ में आ रहा है बेटा पच्चीस का रूट पांच ही आ रहा है तो मुझे चाहिए क्या वाई वन एंड वाई टू वाई वन दस है बेटा और वाई टू है मेरे पास पांच रूट ऑफ फाइव तो ये फाइव टू जार ये जवाब ही नहीं इसमें इसलिए सभी के सभी क्रॉस कर दो तो बच्चों <laughs> किसी ऑप्शन रॉन्ग है यस किसी ने बोला है सुमित कामड़े वेरी गुड बेटा यस सुमित सुमितंबड़े आपका कांग्रेजुलेशन कांग्रेजुलेशन बेटा कांग्रेजुलेशन बेटा सुमित कामड़े ने सही बोला था सुमित कामड़े ने सही बोला था नहीं आ रहा है सुमित आपका रॉन्ग ऑप्शन देखो ऋषिकेश भी कह रहा है ठीक है ना बेटा यस करेक्ट है हमारा ऑप्शन आना चाहिए था इज टू रूट ऑफ फाइव ऑप्शन होना चाहिए था तो मैं आपको कोई भी एक ऑप्शन लिख के दे रहा हूं टू इज टू रूट ऑफ फाइव ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए था शायद इसमें गलती कर दी है यह गलत क्वेश्चंस नहीं बोल सकता हो।, हो सकता है कि प्रिंट मिस्टेक हो चुकी होगी लेकिन कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ऐसा क्यों होता होगा है ना बच्चों ओके सर प्लीज रिपीट करा रिपीट कर दो बगा काय मतलब लक्ष्य दे मेरे पास पहले इक्वेशन है सिंपल सा वाईज इक्वल टू तो ए साइन ओमेगा इक्वेशन को जनरली ऐसा लिख सकता था मैं ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू कॉस ओमेगा अब जब साइन और कॉस हो तो दोनों का डिफरेंस नाइनटी का होता है साइन और कॉस देखो साइन जीरो की वैल्यू जो है वो कॉस नाइनटी की साइन नाइनटी की वैल्यू की वैल्यू है। 90 का का है का? का है। है तो का का, का का? का डिफरेंस 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 बेटा, कितने बच्चों तो का डिफरेंस होने के कारण मैं का ध्यान रखना तब शॉर्टकट में फॉर्मूला ए वन प्लस ए टू स्क्न क्या दस दस 10 का सो ए टू क्या पांच पच्चीस एक सौ पच्चीस हो गया बेटा तो 25 गुना पांच तो ये 25 का रूट पांच है ये रूट ऑफ फाइव है, है।, है बच्चों बहुत ही सिंपल थोड़ा सा मोटिवेशन करने वाला हूं लास्ट में थोड़ी सी टिप्स दूंगा मैं है ना लास्ट में टिप्स दूंगा बच्चों आपको देखो यहाँ पे डी स्क्स अपॉन डी टी स्क् जनरल फार्मूला है ओमेगा स्क्र इक्वल टू जीरो मुझे पता ये दिख रहा है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो इसलिए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू तो 64 तो ओमेगा इज इक्वल टू 8 रेडियन पर सेकंड समझा बेटा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल देखो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा है तो 2 पाई ये हो एवरा 8 तो ये पाई बाय 4 है बेटा पाई बाय 4 है। पाई बाय 4 ठीक है समझ लो सिंपल है क्वेश्चन बच्चों मैं लास्ट में आपको बताना चाहता हूं आपको पीवाई क्यू करना बहुत जरूरी है, बच्चे क्या कर रहे पीवाई क्यू नहीं करते पी -वाई मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन ये कौन से करना चाहिए मेरे ख्याल से कम से कम ये तो करो कम से कम ये तो करो सर नहीं हो रहे नहीं बेटा कम से कम उसको मुझे लगता है कि ऑप्शन तो देखो कम से कम आपको ऑप्शन तो देखना आना चाहिए बच्चों जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ ये यहाँ पे हम लोगों ने क्या करके रखा है आपके मालूम के लिए एक मिनट बच्चा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमने क्या करके रखा है आप देख सकते हो यार ये कहा गया हाँ। यहां पे मैंने क्या करके रखा है बच्चों ये पूरा की पूरा आप देख सकते हैं। हमने खुद के हाथों से खुद के हाथों से मैंने सॉल्यूशन बना के रखा है बच्चों ये पीडीएफ है ना जो फ्री में मिल रही है फ्री में मिल रही है है ये ये अभी की जो है, देखो एक बैच थ्री पॉइंट जीरो इस फोल्डर पे जागने के बाद आपको क्या करना है मालूम है यहां जाओगे यहां पर जाने के बाद बच्चों को पता नहीं होता है कॉन्टेंट में जाओ कॉन्टेंट में देखो महा मैराथन टाइम टेबल ये सब सब मिल रहा है एक लव्य बैच फ्री में मिलता है, है बच्चों जो लेक्चर बच्चों महामैराथन फिजिक्स टाइम टेबल इसी में मिलेगा ये कोई भी बच्चा जाके डाउनलोड कर सकता पैसे देने की जरूरत नहीं है बच्चों को लगता है एक रुपए वो कोर्स फॉर्म करना पड़ता है ना तो बच्चों को लगता है कि सर ने इसके भी पैसे लिए क्या नहीं बेटा इसके पैसे नहीं लिए जिन बच्चों को ब्रह्मास्त्र बुक चाहिए ना ये ब्रह्मास्त्र बुक है बच्चा देखो इसमें मैंने खुद के हाथों से सोल्यूशन निकाल के रखे दो हजार बाईस एग्जाम्पल बोल रहा हूँ इसका सोल्यूशन आप लोगों को इतना खतरनाक तरीके से दिया है ना हम लोगों ने कोई भी चैप्टर उठा के देख सकते हैं जैसे कि आ, कोई भी कोई भी उठा के देख सकते बच्चों जैसे कि ई एम आर है तो इसमें हमने क्या किया ये देखो ऐसे सोल्यूशन दे रहा हूं मैं सोल्यून दे रहा हूँ देखो ये ये सोल्यूशन खुद के हाथों से बना कम से कम पढ़ना चाहिए कम से कम पढ़ना चाहिए पढ़ लो कि यार इसको सॉल्व किया अच्छा ऐसा है ऐसा है देखो इसको सॉल्व किया ऐसा है ऐसा है ऐसा हम लोगों ने सॉल्व करके दिया आप लोगों को ठीक है ना तो मैं चाहता हूं कि ये आप लोग है ना एक बार जाके देखो ये मैंने सॉल्व करके दिया देख सकते देखो इसको सॉल्व करके दिया ऐसे सॉल्व करके दिया है सॉल्व ये खुद के हाथों से सॉल्व करिए हमने हमारे हाथों से सॉल्व किया जिनको ब्रह्मास्त्र बुक मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लेना है बिल्कुल मत लो कोई टेंशन मत लेना जो बच्चे ने बहुत सारे बच्चे ने ली है उन बच्चे के लिए सॉल्यूशन बता रहा हूं कि ये करो अभी भी समय है समय के साथ जो बच्चे चले गए देखो यार इसमें पूरा सॉल्व करके दिया मैंने है ये सॉल्व करके दिया ये सॉल्व करके दिया पूरा सॉल्व करके दिया है ठीक है ये पूरा सॉल्व करके दिया, दिया बच्चों तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों की जिनको चाहिए वो ब्रह्मास्त्र बुक के ऊपर ज्यादा फोकस करके बच्चों आप अपना अच्छी तरह से पढ़ाई अभी भी कर सकते हो कल हमारे पता है आपको पांच चैप्टर नहीं है कल आपको सुपरपोजिशन इलेक्ट्रोस्टैटिक व्यो करंट इलेक्ट्रिसिटी यस मैग्नेटिक फील्ड लेकिन इलेवन का एक चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है बच्चों हाँ बेटा ज्यादा नहीं नाइनटी नाइन रुपीज बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होती इस समय शायद सर लास्ट क्वेश्चंस ओके

कुछ चीजें करेंगे बच्चे के मन में होता है कि फिजिक्स हार्ड है नहीं फिजिक्स हार्ड नहीं है बच्चों इजी है क्या करना है क्या नहीं करना है यह समझ में नहीं आता है। लास्ट ईयर में हमने जैसे कि जैसे सवाल दिए थे सेम टू सेम सवाल आए थे एग्जाम में भी बच्चों धमाका करना है तो बच्चों कॉन्फिडेंस मेन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बच्चे के पास फिजिक्स के कारण कॉन्फिडेंस लूज होता है मैं चाहता हूँ कि बच्चों कॉन्फिडेंस सर आपकी वेबसाइट है क्या नहीं वेबसाइट नहीं है पी जी एम एन ऐप है जो आपको दिखाया था वही ऐप है बेटा ये ऐप पे जा सकते हो आप लोग और कभी भी देख सकते हो मैं चाहता हूँ कि आप ये जो ऐप है ऐप पी जी एम एन ऐप पर आपको फ्री में भी जो नोट्स आज के जो दे रहा हूँ बच्चों ये है ऐसा ये स्मॉल दिखेगा मेरा खुद का फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक इसमें आपको कहां जाना है बता दिया मैंने एक लव्य में जाना है उसको लाइक भी करना है बच्चों लाइक भी करना है कोर्स को क्योंकि हम लोगों ने फ्री दिया बच्चों को लगता है एक रुपया पेड करना है क्या नहीं वन रुपीज पेड करना नहीं है फ्री कंटेंट इनसाइड ऐसा दिया हमने मतलब इसके अंदर फ्री फ्री कॉन्टेंट है कोई परचेस नहीं करेगा ठीक है चलो तो बाय बाय ठीक है चलिए आपकी आवाज से कर पाया पांच चैप्टर यस देखो यार मैं बोलता हूं ना हमारे साथ जो करोगे ना बहुत ही मजा आने वाला चलो बाय 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 वन बाय